आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है जी। तो मैम इसमें ना ये वाला जो सेशन है इसमें आप स्टार्ट करना क्वेश्चन नंबर 15.4 से, क्योंकि उससे पहले के जो क्वेश्चन है ना उसमें बस वो लोग यही डिस्कस कर रहे हैं कि कार्ला का बॉडी स्टेटस, वाइटल स्टेटस कैसा है, क्या है, बस वही सारी चीज डिस्कस कर रहे हैं। तो सीधा आप क्वेश्चन नंबर आना 15.4, सेशन 15 है ये, 15.4 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, ओके, एक ठीक है, मैं वहां से शुरू करती हूँ, एक सेकंड। ऑल राइट, सो दिस इज सेशन 15 एंड वी आर स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन 15.4. The first question Don asks is, why does rapid aging occur on this planet? मतलब Don पूछता है कि इस धरती पर, ग्रह पर लोग इतनी जल्दी बूढ़े क्यों हो जाते हैं? तो Ra says, rapid aging occurs upon this third density planet due to an ongoing imbalance of receptor web complex in the etheric portion of the energy field of the this planet. The thought form distortions of your peoples have caused the energy streamings to enter the planetary magnetic atmosphere. If you would so term this web of energy patterns in such a way that the proper streamings are not correctly imbued with balanced vibratory light love from the, shall we say, cosmic level of this octave of existence. यहाँ पे सवाल डॉन करता है कि इस मतलब इस धरती पे, हमारे प्लेनेट पे लोग इतनी तेजी से बूढ़े क्यों होते हैं, मतलब इतनी लंबी लाइफ क्यों नहीं होती है? क्योंकि पहले के लोग बोलते थे कि भाई इतनी लंबी लाइफ होती है, तो ये अचानक से क्या हुआ कि मतलब इतनी कम लाइफ कैसे हो गई? तो राव का जवाब देता है कि देखो ये जो तुम्हारे थर्ड डेंसिटी है ना जिसमें तुम रह रहे हो, मतलब तीसरी डेंसिटी जो है इसमें तुम रह रहे हो, इसका जो रीजन है ये लोगों की एज कम होने का, वो ये है कि जो लोग हैं ना उनका जो सोचने का तरीका है ना, होता क्या है कि तुम्हारे आसपास ही इसी स्पेस के अंदर जो तुम सोच रहे होते हो ना, इसके अंदर एक फील्ड होती है, इथेरिक पोर्शन बोलते हैं, इथर मतलब वो भी एक एक डायमेंशन की तरह ही काम करती है, लेकिन वो और अंदर जाके है, मतलब इसी स्पेस में है लेकिन और अंदर जाके है। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो तुम जिस तुम्हारे यहाँ के जो लोग हैं ना उनके बीच में सौहार्द भाव ना होने के कारण, मतलब एक दूसरे के साथ मिलके प्यार से आगे चलना और आगे प्रोग्रेस करना, कह रहे उसके ना होने की वजह से होता क्या है कि जो तुम्हारे प्लैनेट के अराउंड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है ना वो जो स्ट्रीम कर रही होती है इथेरिक पोर्शन से हायर ऑक्टेव से लोअर ऑक्टेव की तरफ, यानी एट्थ डेंसिटी से या फिर कह लो कि इस गैलेक्सी के सेंटर से जब चलती है वो, कह रहे जब तक तुम्हारे पास पहुंचती है ना यहाँ बट जाती है वो बहुत ज्यादा, वो बट जाने की वजह से जो एनर्जी पैटर्न तुम्हारे अंदर और जो तुम्हारे प्लैनेट के एक साथ में जो होने चाहिए ना वो हो नहीं पाते हैं। उस वजह से होता क्या है कि तुम्हारा जो क्या कहते हैं लाइफ है ना वो तुम्हारी कम होती चली जाती है, क्योंकि लोग जैसा जैसा सोचते जाते हैं ना वैसा वैसा होता चला जाता है, और जैसा जैसा होता चला जाता है कह रहे उसकी वजह से ज्यादातर लोगों का सोचना मतलब प्यार और एक दूसरे के साथ मिलके आगे निकलने का नहीं होता, तो प्रोग्रेस आगे नहीं होती है, प्रोग्रेस रुक जाती है तुम लोगों की, कह रहे जब प्रोग्रेस रुक जाएगी तो तुम्हारी एज भी रुक जाती है। Do I assume correctly in assuming that one of your attempts in service to this planet was to help the population of this planet more fully understand and practice the law of one so that this aging, rapid aging, could be changed to normal aging? You assume correctly to a great degree. So, yahan pe Ra, question number 15.5, yahan pe Don puchta hai, तो क्या मैं ऐसे अनुमान लगा के चलूं कि आपका जो इस धरती को मदद करने का ये जो रीज़न है, जो इसकी पूरी धरती की जो पॉपुलेशन है मतलब जितने भी लोग, जितनी भी जनसंख्या है इसकी धरती की, यहाँ पे आपका जो मदद करने का जो रीज़न है वो ये है कि आप दूसरों को लॉ ऑफ वन के मतलब क्रिएटर के बनाए हुए रूल्स जो हैं, रूल्स कह लो या तरीके जो बनाए हुए हैं वो आप उनको सिखाओ, और जब वो उनको सीख जाएं तो वो आगे आगे बढ़ना शुरू करें, ताकि ये जो इनकी जो लाइफ है मतलब जो
उम्र ज्यादा होनी चाहिए थी वो उसी डायरेक्शन में निकल जाए कि इनकी उम्र भी बढ़ जाए। तो राय इसका जवाब देता है, कहता है कि हाँ तुम्हारा अनुमान काफी हद तक सही है। then it would be very beneficial for the people of this planet in practicing the law of one to learn ways of service. Am I correct? You are correct. If you will observe those oriented through a lifetime experiential distortion complex from near the beginning of that experience, you will observe a relatively youthful, as you would call it, appearance. हाँ, तो यहाँ पे सवाल डॉन पूछता है अगला सवाल कि तो इसका मतलब अगर हमारे धरती के लोगों को लॉ ऑफ वन आ जाए समझ में और वो उसका यूज करके उसका इस्तेमाल करके और दूसरों की मदद करने वाला जो रास्ता होता है जो क्रिएटर का बनाया हुआ रास्ता है दूसरों को सर्विस दूसरों देना की दूसरों को अपनी सेवा सेवा करना. सेवा। हाँ मतलब वही मदद करना सेवा करना एक ही चीज होती है। तो वो कह रहे हैं कि अगर करेक्ट. उस सेवा सेवा वाले रास्ते पे निकले तो क्या इन लोगों की लाइफ बढ़ सकती है। तो मतलब यही वो तरीका है जिस जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। तो रा कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। कहता है कि तुम कभी नोटिस करना मतलब ऑब्जर्व देखना कभी कि जो पिछले जितने भी तुम्हारे लोग थे ना वहाँ के लाइफ टाइम से लेके अभी तक के लाइफ टाइम को देखना जो नए नए बच्चे आ रहे हैं जो नई नई जनरेशन आ रही है तुम्हारी उसको देखना कि पहले के जमाने में तो तुम्हारे यहाँ पे बहुत बड़ी लाइफ हुआ करती थी। कह रहे लेकिन अब तुम देख रहे हो उनके एक्सपीरियंसेस छोटे छोटे होते चले जा रहे हैं। कह रहा है कि यू विल ऑब्जर्व अ रिलेटिवली यूथफुल एज यू वुड कॉल इट अपीयरेंस। कह रहा है आप देख रहे हो कि वो जल्दी मरना शुरू हो रहे हैं। पहले के लोग जो थे वो इसका इस्तेमाल करते थे इन लॉज का इसलिए वो साथ में सौहार्द भाव से निकलते थे आगे एक दूसरे के साथ प्रोग्रेस करते थे यार। लेकिन अब दिमाग आप लोगों के इतने बट गए हैं कि अब एक दूसरे का साथ एक दूसरे को सेवा देने की बजाय आप लोग अलग अलग अपनी अपनी सेवाओं की तरफ काम कर रहे हो। इस वजह से आप नोटिस करोगे कि लोगों की जो उम्र है वो भी कम हो गई है। What is the greatest service that our population on this planet could perform individually? There is but one service. The law is one. The offering of self to Creator is the greatest service, the unity, the fountainhead. The entity who seeks the one Creator is with infinite intelligence. From this seeking, from this offering, a great multiplicity of opportunities would evolve depending upon the mind-body-spirit complex distortions with regard to the various illusory aspects or energy centers of the various complexes of your illusion. Thus become healers, some become healers, some workers, some teachers, and so forth. हाँ तो यहाँ पे डॉन सवाल करता है कि तो हमारी जो जनसंख्या है पूरी इस धरती की उनको ऐसी कौन सी सेवाएं अपनी देनी चाहिए ताकि वो क्या कहते हैं मतलब अपने अपने लेवल पे ऐसा नहीं है कि मतलब सारे मिलके दे रहे हैं अपने अपने हिसाब से कौन कौन क्या कर सकता है ताकि क्या कहते हैं इसको दोबारा मेंटेन किया जाए कि मतलब जिंदगी का जो है उनका टाइम जो है स्पैन वो बढ़ जाए। तो राव से जवाब देता है कहते हैं देखो भाई सेवा तो एक ही है। कहता है ये जो लॉ है ये सबके लिए एक ही है द लॉ इज वन। कह रहा है ये जो कायदा बनाया हुआ है उसने क्रिएटर ने वो एक ही है। कहता है कि अपने आप को उस रचयिता को के सामने जाके अपने ये कर देना कि अब मैं सर्विस के लिए तैयार हूँ क्रिएटर तेरे तेरे को सर्विस देने के लिए तैयार हूँ। कहता है कि उससे उसका जुड़ाव उसकी यूनिटी यानी वो क्रिएटर के साथ जाके मिल जाता है मतलब रचयिता के साथ जाके मिल जाता है। कह रहा हूँ वहीं से एक फाउंटेन हेड मतलब एक फव्वारा सा निकलता है ऊपर से जिससे उसको एनर्जी मिलनी शुरू होती है या कह लो नॉलेज मिलनी शुरू होती है। कहता है जो भी उस एक रचयिता को ढूंढने के लिए निकलेगा ना उसके अंदर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ब्रह्मांड की अनगिनत इंटेलिजेंस आ जाती है। अनगिनत मतलब वो इंटेलिजेंट होते चले जाते हैं क्योंकि तो वो उसके रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं। कहते हैं इस ढूंढने की वजह से कई सारी तरीके की उनके सामने ना मौके आते हैं। ठीक है अपॉर्चुनिटी वो यहाँ पे कह रहे हैं ना वो मौके आते चले जाते हैं उनके सामने। कह रहे जैसे जैसे वो मौके आते हैं और वो दिमाग से सोच के कि हाँ यहाँ पे मुझे सेवा करने का मौका मिल रहा है कह रहे तो वो वहाँ पे अपना काम करना शुरू कर देते हैं और उसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर जो अलग अलग चक्रास होते हैं ना जैसे रूट एनर्जी सेंटर्स होते हैं कह रहे वो ओपन होते चले जाते हैं। कह रहे जब वो ओपन होते चले जाते हैं तो उन्हें माया जाल का ज्ञान भी होना शुरू हो जाता है। कह रहे जब उन्हें माया जाल का ज्ञान होना शुरू हो जाता है तो उन्हें पता चल जाता है कि हाँ इस तरीके से सेवा कर रही है हम लोगों को। इसीलिए वो कह रहा है कि तभी हम तुमको कह रहे हैं कि कुछ लोग तो हीलर बन जाते हैं यानी दूसरों की मतलब तबीयत वगैरह ठीक करने वाले कुछ लोग दूसरों के लिए सेवा करने के लिए यानी काम करने लग जाते हैं।
कुछ लोग टीचर्स, गुरु कह लो या कुछ भी टीचर्स कह लो उनको, कह रहे कुछ लोग टीचर्स बन जाते हैं, कह रहे इसी तरीके से सब लोग अलग अलग काम करने लग जाते हैं क्रिएटर के लिए. If an entity were perfectly balanced on this planet with respect to the law of one, would he undergo the aging process? A perfectly balanced entity would become tired rather than visibly aging. The lessons being learned, the entity would depart. However, this is appropriate and is a form of aging which your people do not experience. The understanding comes slowly, the body complex decomposing more rapidly. हाँ देखा, यहाँ पे डॉन से सवाल करता है तो इसका मतलब अगर कोई लॉ ऑफ वन सीख ले और अपने आप को उसके साथ उसके हिसाब से काम करने लग जाए और अपने आप को बैलेंस कर ले उसके साथ, है ना, तो क्या उस क्या उसकी भी मतलब जो उम्र है वो इतनी तेजी से कम होती चली जाएगी? तो राव से जवाब देता है, कह रहे कि जो जिसके अंदर बैलेंस आ जाता है ना ये कर करके, क्योंकि मेडिटेशन भी करेगा वो, दूसरों की सेवा भी करेगा वो, दोनों चीज़ें उसके साथ चल रही होती हैं. कह रहा है कि जो तुम कह रहे हो ना बैलेंस हो जाना, कह रहे कि अगर किसी के अंदर ये बैलेंस हो जाए, कह रहा है कि वो उल्टा थक जाएगा, क्योंकि वो सेवा भाव से कर रहा होता है, वो थक जाता है. कह रहा है कि तुम्हें लगेगा कि विजिबली हो सकता है तुम्हें देखने में लगे कि हाँ उसकी एज हो गई है, कह रहा है लेकिन वो थकता चला जाता है. कहते हैं जैसे जैसे उसको लेसन सीखता चला जाता है ना वो अपने, कह रहा है फिर वो इस धरती को छोड़ के चला जाता है. ठीक है, हाँ वो कह रहा है कि लेकिन इस तरीके की एजिंग को तुम ये मत सोचना कि वो मर गया. कह रहे वो मरा नहीं, कह रहे कि उसने वो सारे एक्सपीरियंसेस जो उसको लेने थे वो उसने एक्सपीरियंसेस ले लिए. कह रहे उसके बाद मैम यहाँ पे वो रेनबो बॉडी एक्सपीरियंस की बात कर रहा है, जो लोग होते हैं ना समाधि लेके निकल गए अपने शरीर को छोड़ के, यहाँ पे वो बात कर रहा है. वो कह रहा है कि वो इस तरीके का होता है कि वो इसको अंडरस्टैंड करते हुए अपनी पूरी बॉडी को, अपने माइंड को, अपनी स्पिरिट को, दूसरों को सेवाएं देते हुए वो करते करते दूसरों को टीचर बन के सिखाते भी है. कहते वो करते 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 तब वो इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि वो पूरी तरीके से थक चुके होते हैं. कह रहे जब वो थक जाते हैं, कह रहे फिर वो अपने शरीर को छोड़ देते हैं, शरीर को छोड़ के निकल जाते हैं क्रिएटर की और हायर डायमेंशन में. कहते वहां पहुंच जाएंगे, कह रहे इससे तुम कभी नोटिस करोगे कि ऐसे लोगों की जो इस तरीके से निकलते हैं उनकी बॉडीज को देखोगे ना वो बहुत धीरे धीरे खत्म होनी शुरू होती है, मतलब डिकम्पोज बहुत धीरे धीरे होती है. मैम यहाँ पे ये बात उनको जो समझदारी है इसकी, लॉ ऑफ वन की जो ज्ञान है, कह रहा वो तो बड़ी धीरे धीरे आ रहा होता है, कह लेकिन जो शरीर है ना वो बहुत तेजी से बूढ़ा होना शुरू कर देता है. कह रहे जैसे तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, इसका उल्टा है एक्चुअली. तो शरीर बॉडी कॉम्प्लेक्स डीकंपोजिंग मोर रैपिडली, ये मरने के बाद या मरने से पहले? मैम वो देखो समाधि वाली ही बात कर रहा है. देखो जो लोग समाधि लेके चले जाते हैं ना, जो निकल जाते हैं अपनी बॉडी को छोड़ के, आप उनकी बॉडी देखोगे ना, ऐसे कई सारे मॉन्क्स भी हैं, कई सारे गुरु रहे हैं, बहुत सारे लोग रहे हैं जो अपनी बॉडी को ऐसे त्याग के निकल जाते हैं, लेकिन अगर आप उनकी बॉडी देखोगे ना तो बहुत धीरे 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 डिकम्पोज होती है वो. यहाँ पर वो जो तेजी से बॉडी डिकम्पोज होने की बात कर रहा है ना, वो कह रहा है कि तेजी से डिकम्पोज जब वो छोड़ देते हैं तब होनी शुरू होती है, अदरवाइज तो वो बिल्कुल ठीक ठाक यंग यंग से ही लगते हैं और निकलते चले जाते हैं आगे. Can you tell me a little bit about the definition of the word balancing as we are using it? Picture, if you will, Ra kehta hai, the one infinite. You have no picture. Thus the process begins. Love creating light, becoming love light, streams into the planetary sphere. According to the electromagnetic web of points or nexi of entrance. These streamings are then available to the individual who, like the planet, is a web of electromagnetic energy fields with points or nexi of entrance. Nexi matlab kya? Ma'am, nexi matlab nexus bol raha, wo point bol raha, point hi bol raha, wo ek hi cheez bol raha. In a balanced individual, each energy center is balanced and functioning brightly and fully. The blockages of your planetary sphere cause some distortion of intelligent energy. The blockages of the mind-body-spirit complex further distort or unbalance this energy. There is one energy. It may be understood as love light or light love or intelligent energy. So, here, वो क्या कहते हैं डॉन सवाल करता है
ये जो आप संतुलन बनाने की बात कर रहे हो, ये जो शब्द आप इस्तेमाल करते हैं संतुलन बनना चाहिए, कह रहे कि ये संतुलन का मतलब क्या है, तो राव से जवाब देता है, देखो ऐसे दिमाग में पिक्चर बना के चलना, कह रहे कि पिक्चर मतलब अब ये ना जो लोग इसको सुनेंगे उनको सोचना है अपने दिमाग के अंदर, ठीक है, पिक्चर से इमेज करके देखना अपने दिमाग के अंदर, कह रहे कि पिक्चर इफ यू विल, इस पिक्चर को देखो कि वन इन्फिनिट मतलब इंटरनेट के जैसी कोई टाइप की फील्ड है, पूरे ब्रह्मांड में फैला दी उसने, चारों ही फैला दी उसने थिएटर में, कह रहे तो तुम्हें कोई पिक्चर नहीं दिखेगी, कह रहे तुम्हें सब कुछ खाली खाली दिखेगा, कह रहे यहाँ से जो इसका जो काम है ना, जो प्रोसेस है, कह रहा वो यहाँ से शुरू होता है, कहता है लव जो है ना, जो क्रिएटर का प्यार है, कह रहा वो उससे बनती है लाइट, कह रहा और जो लाइट है ना, कह रहा वो बनती है लव लाइट, मतलब वो दोनों मिल के काम करते हैं मिल के, कह रहे जब वो क्रिएटर का प्यार और उसकी रोशनी जब निकलती है ना उसके अंदर से, कह रहा वो स्ट्रीम करती है, मतलब वो घुसती है तुम्हारे जो धरती का जो प्लैनेटरी स्फीयर बोल रहे हैं, धरती की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब बनाए हुए, मतलब जो उसके चारों तरफ है ना जो बनाए हुआ है, कह रहा उसमें एंटर करती है वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग जगह से, कह रहे कि जब ये स्ट्रीमिंग हो रही होती है ना, तो जो लोग तुम्हारी धरती के ऊपर है, कह रहे उनके अंदर भी ये जारी होती है, ठीक है, उनके अंदर भी जारी होती है, जैसे प्लैनेट में जारी होती है वैसे लोगों के अंदर भी जारी होती है, कह रहे कि अलग उनके अंदर भी अलग अलग जगहों पर जारी होते हैं, कि किसी के रूट चक्रा में जारी है, किसी के कहीं जारी है, किसी के कहीं ब्लॉकेज है, किसी के कहीं ब्लॉकेज है, तो आगे वो कहेगा कि एक जो बैलेंस यानी जो एक संतुलित जो भी इंडिविजुअल मतलब कोई इंसान कह लो या कोई भी चीज़ कह लो आप, जो भी चीज़ संतुलन में होगी ना, कह रहे उसके जो चक्रास होंगे अंदर के, मतलब जैसे आपके 7 चक्रास होते हैं ना, कह रहे वो अंदर से बहुत अच्छे से ब्राइटली और तेजी से मतलब वो चमकने लग जाते हैं अंदर ही अंदर उनके, इसी तरीके से वो कह रहा है कि तुम्हारी जो धरती है, कह रहे उसके अंदर भी कहीं कहीं ब्लॉकेज हो जाती है क्योंकि लोग सब इधर उधर भाग रहे हैं, कह रहे अगर सबका थॉट एक हो जाए तो धरती भी कम से कम अपने आप को उस थॉट के साथ लेके आएगी, कह रहे लेकिन सब इधर उधर सोच रहे होते हैं तो उसके चक्रास भी खराब हो रहे होते हैं धरती के भी, कह रहे इसकी वजह से उधर धरती के खराब होते, इधर तुम्हारे खराब होते हैं, उधर धरती के खराब होते हैं, कह रहे फिर जब धरती के खराब होते हैं तो फिर तुम्हारे भी होते हैं, कह रहे तो क्योंकि आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हो, कह रहे जुड़ने की वजह से होता क्या है कि तुम उसका खराब कर देते हो, वो तुम्हारा खराब कर देते हैं, कह रहे ऐसे ही चलता रहता है तुम्हारे बीच में, कह रहे कि इस पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही एनर्जी है, एक एनर्जी जो है ना वो है लव लाइट, मतलब क्रिएटर का प्यार और उसकी रोशनी, और ये आप अलग अलग समझोगे लेकिन ये एक ही चीज है, प्यार और रोशनी, रोशनी ही प्यार है, प्यार ही रोशनी है, कह रहे और इसको बोला जाता है इंटेलिजेंट एनर्जी, यानी ये जो रोशनी निकलती है ना क्रिएटर के अंदर से, ये रोशनी ही उसका प्यार है और ये इंटेलिजेंट है, मतलब इसके अंदर अपना खुद का भी दिमाग है, ये अपने दिमाग से काम करती है, जहां जहां से इसको रास्ता मिलता जाता है ना, ये उस रास्ते से निकलते निकलते अपना अपना पूरा रास्ता रूट बनाती है अपना। नॉलेज को भी लाइट कहते हैं, मतलब एक्चुअली लाइट जो है वो जब किसी हाँ. को आप हीलिंग के दौरान किसी को लाइट देते हो तो वो दो तरह की होती है, एक होती है प्यार की लाइट, एक होती है नॉलेज की लाइट, ताकि इस इंसान को अकल आ जाए, इसको समझ आ जाए कि ये प्रकृति क्या है, ये धरती क्या है, मतलब धरती नहीं ईश्वर क्या इसे, है इसे 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 ज्ञान कहेंगे, ज्ञान नॉलेज भी नहीं ज्ञान, नॉलेज तो चलो ठीक है छोटा सा वर्ड है, नहीं नहीं नॉलेज नहीं ज्ञान, यू आर राइट, इट्स नॉट नॉलेज इट इज ज्ञान, विजडम, इट्स विजडम, इट्स ज्ञान, ओके आगे चलो। हाँ जी, हाँ जी। Okay. Am I correct in assuming that? अच्छा, but I am a little surprised के इंसान किस तरह से सोचता है, और अगर उनके चक्र imbalanced है तो उसका असर धरती पे इतना पड़ता है कि धरती imbalanced हो जाती है। हाँ मैम, ये पता है, ये बहुत लोगों को नहीं पता है ये चीज़, बहुत लोग सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ अपने हिसाब से कर रहा हूँ, लेकिन अपने हिसाब से तो वो कर रहा होता है, लेकिन इसकी वजह से धरती पूरी की पूरी इंबैलेंस हो जाती है। तो आपको क्या लग रहा है, ये कुछ टाइम से जो आप इतने वॉल्केनो देख रहे हो, कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे कुछ आ गया, कहीं पे कुछ फट रहा है, कहीं पे पहाड़ गिर रहे हैं, तो क्यों हो रहा है? लोगों की वजह से हो रहा है, उनके थॉट खराब होते चले जा रहे हैं, इस वजह से धरती पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, यही बताना चाह रहा है वो यहाँ पे। Am I correct in assuming that one of the blockages of a mind-body-spirit complex might be due to an unbalance of, shall we say, ego? And this could be balanced using, say, a worthiness, unworthiness balance. This is, sorry, incorrect. हाँ, तो यहाँ पे डॉन एक अगला सवाल उससे करता है
तो क्या वो कहता है कि क्या मेरा अनुमान लगाना सही है कि एक ब्लॉकेज मतलब एक जो रुकावट है जो हमारी आत्मा हमारे शरीर और हमारी क्या कहते हैं दिमाग में जो है जिसकी वजह से ये अनबैलेंस हो जाती है, मतलब जो असंतुलन जो पैदा होता है, क्या इसका रीजन ईगो है? ईगो यानी घमंड, ठीक है, ईगो घमंडी कह सकते हो आप एक तरीके, क्या इसका रीजन क्या ये घमंड है? और क्या इसको ये भी कह सकते हैं कि यार मैं किसी काम का नहीं हूँ, या फिर ये सोचना भाई मैं तो ये हूँ और मैं तो वो हूँ, ठीक है, दोनों चीजें हो सकती है ना, क्या ये इनके बैलेंस को, वो पूछ रहे क्या इस बैलेंस को खराब होने की वजह से होता है? तो रा उसे कहते हैं नहीं ये गलत है। Can you tell me how you balance the ego? We cannot work with this concept as it is misapplied and understanding cannot come from it. हाँ तो उसने पूछा कि तो फिर आप ही हमें बता सकते हो ये घमंड, ये जो अजीब सी चीज होती है घमंड, ये क्या चीज है? तो रा अहंकार. कहता है कि अहंकार था, अहंकार कह लो, घमंड अहंकार एक ही चीज है। तो वो कह रहा है, राव से जवाब देता है कि भैया इसके बारे में हम तुम्हें नहीं बताएंगे, क्योंकि हम तुम्हें इसको बताएंगे भी ना तो तुम इसे गलत तरीके से ही इस्तेमाल करोगे। कह रहा है कि इससे इसको समझ के ना इसमें से समझदारी निकल ही नहीं सकती है, मतलब इतना इतना शानदार जवाब दिया उसने। उसने कहा इसको समझने बैठे, कह रहे इसमें से तुम्हें कभी समझदारी मिलेगी नहीं और ना ही कभी तुम समझ पाओगे इसको, कह रहे क्योंकि ये हो सकता है आगे, तो खैर उसने कुछ बोला नहीं है, हम अपनी तरफ से भी खैर क्या बोले, हम कुछ नहीं बोल सकते इसमें। वो कह रहे हैं इसको समझने के लिए बैठोगे ना इसमें से कोई समझदारी नहीं मिलेगी, कुछ ज्ञान नहीं मिलेगा इसके अंदर। How does an individual go about balancing himself? What is the first step? The steps are only one, that is, an understanding of the energy centers which make up the mind body spirit complex. This understanding may be briefly summarized as follows. इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं पा, मैं आपसे एक पूछना चाहती हूँ. हालांकि इसके ऊपर मैं एक सेशन कर चुकी हूँ चक्रास ऑफ द अर्थ पे, लेकिन जैसे इंसान के चक्र होते हैं ऐसे धरती के भी हैं, और क्या रा ने इसमें उस बारे में बताया है? मैम अभी उसने पिछले क्वेश्चन में ही बोला है कि इंसान के जो चक्रास है ना ऐसी धरती के भी होते हैं, और इंसान के चक्रास में अगर डिसबैलेंस होगा तो धरती के चक्रों में भी हो जाएगा, अभी अभी बताया उसने। ये पूरा पढ़ूं या एक एक करके आप बोलोगे और एक एक करके पढ़ूं? पूरा एक पढ़ूं, मिनट, काफी आप भी लंबा पूरा है. ही पढ़ लो क्योंकि आंसर है बहुत लंबा ही है। ठीक है, ओके. दिस अंडरस्टैंडिंग मे बी ब्रीफली समराइज्ड एज फॉलोज. द आप फर्स्ट पहले बैलेंस, सवाल दोबारा बोलते, सवाल सवाल मिस हो गया। व्हाट, हाउ डज एन इंडिविजुअल गो अबाउट बैलेंसिंग हिमसेल्फ? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? द स्टेप्स आर ओनली वन. That is the understanding of the energy center which make up the mind body spirit complex. This understanding may be briefly summarized as follows. The first balancing is of the Malkut or earth vibratory energy complex called the red ray complex. An understanding and acceptance of this energy is fundamental. The next energy complex which may be blocked is the emotional or personal complex, also known as the orange ray complex. This blockage will often demonstrate itself as personal eccentricities or distortions with regard to self-conscious understanding or acceptance of self. The third blockage resembles most closely that which you have called ego. It is the yellow ray or solar plexus center. Blockages in this center will often manifest as distortions towards power manipulation and other social behaviors concerning those close and those associated with the mind-body-spirit complex. Those with blockages in these first three energy centers or nexi will have continuing difficulties in ability to further the seeking of the law of one. The center of heart or green ray is the center from which the third density beings may springboard, shall we say, towards infinite intelligence. Blockages in this area may manifest as difficulties in expressing what you may call universal love or compassion. The blue ray center of energy streaming is the center which for the first time is outgoing as well as inpouring. Those blocked in this area may have difficulty in grasping the spirit
mind body complexes of its own entity, and further difficulty in expressing such understanding of self. Entities blocked in this area may have difficulties in accepting communication from other mind body spirit complexes. The next center is the pineal or indigo ray center. Those blocked in this center may experience a lessening of the influx of intelligent energy due to manifestations which appear as unworthiness. This is that of which you spoke. As you can see, this is but one of the many distortions due to the several points of energy influx into the mind-body-spirit complex. The indigo ray balancing is quite central to the type of work which revolves about the spirit complex, which has its influx then into the transformation or transmutation of third density to fourth density. It being the energy center receiving the least distorted outpourings of love light from intelligent energy, and having also the potential for the key to the gateway of intelligent infinity. The remaining center of energy influx is simply the total expression of the entity's vibratory complex of mind and spirit, mind, body and spirit. It is as it will be balanced or imbalanced, has no meaning at this energy level, for it gives and takes its in its own balance. Whatever the distortion may be, it cannot be manipulated as can the others, and therefore has no particular importance in viewing the balancing of an entity. J. Pa. इतना लंबा जवाब दिया है और सवाल कितना छोटा सा था. तो यहाँ पे देखो, अब ये ना थोड़ा सा लंबा बोलना पड़ेगा मेरे को, और आप लोगों को बड़े ध्यान से इसको समझना पड़ेगा. तो यहाँ पर डॉन से सवाल करता है, क्या आप ये बता सकते हो हमें कि एक व्यक्ति, एक इंसान अपने आप को संतुलित कैसे करे? इसका सबसे पहला वो है, कदम है, वो क्या है? तो रा कहता है कि देखो, जो पहला कदम, जो कदम है वो तो एक ही है, आप ऐसे मान के चलना. कह रहा है कि आपको ना अपने अंदर की जितने भी बॉडी के जो एनर्जी सेंटर्स हैं, मतलब जहां जहां पे आपके चक्रास है ना बॉडी के अंदर, कह रहा है उनको समझने की जरूरत है. एक बार वो समझ में आ गए तो कह रहे बाकी की चीजें आपको सारी समझ में आ जाएंगी. कहता है कि देखो, सबसे पहले आपको जो बैलेंस करना है अपना, सबसे नीचे वाला जो कॉम्प्लेक्स है, रेड रे जिसे बोलते हैं. मैम सबसे नीचे वाले को हिंदी में क्या बोलेंगे? चक्र, मूलाधार चक्र. हाँ, मूलाधार चक्र. कह रहे उसको करना है. कह रहे कि इसका मतलब है, जब वो जो है ना, वो मूलधार चक्र जो है, इसको आप धरती भी बोल सकते हो अपने अंदर, या इसे मालकोट भी बोल सकते हो. अब देखो मैम, असली नाम जो अर्थ का है ना, जैसे मेल्डेक का मेल्डेक था ना, अर्थ का था मालकोट. मालकोट, मालकोट अर्थ का असली नाम है मालकोट, और हमारे पास नए नए नाम है इसके. खैर ये भी एक नया लेसन ही था हमारे लिए. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं सबसे पहले इसको समझने की जरूरत है, ये सबसे नीचे वाला चक्रा जो होता है आपका, ठीक है ना. इसको जब आप समझ लेते हो ना, तो इसके अंदर जितनी भी चीजें होती है ना, उनको समझना और उसको मान लेना कि हाँ ये ऐसे ही है, कि ये है वो बेसिक जहां से मुझे शुरू करना है. कह रहे जो दूसरा, इससे अगला जो है, कह रहे अगला है तुम्हारा ऑरेंज रे कॉम्प्लेक्स. मैम ऑरेंज रे क्या होता है? इसको बोलते हैं सेक्रल चक्र, मतलब के मणिपुरा. हाँ. अच्छा, मणिपुरा चक्र है ये, ठीक है. हिंदी में तो हम तो इंग्लिश में बता सकते हैं, लेकिन हिंदी में जैसे मैम बता, स्वादिष्ठान. आप ये मान के चलना, अगर यहाँ पे कहीं रुकावट है ना, कि मतलब एनर्जी नीचे से ऊपर नहीं जा पा रही है, कह रहे तो यहाँ पे आपके अंदर ना इमोशनल डिसबैलेंस हो जाएगा. मतलब आपको ना इमोशनली, जैसे होता है ना, आपका पता नहीं चलेगा, कभी खुश हो गए, कभी दुखी हो गए, कभी कुछ, आप ना स्विंग करते रहोगे. मतलब देख रहे हो सामने वाले को, सामने वाला रो रहा है, आप उसके साथ ही रोना शुरू कर दोगे, वो हंस रहा है उसके साथ ही हंसना शुरू कर दोगे. कह रहे तो आपको ना उसको बैलेंस करना जरूरी है. अगर आपने उसको बैलेंस, आपको ये समझना पड़ेगा, ये सामने वाला रो रहा है तो रो क्यों रहा है, या हंस रहा है तो हंस क्यों रहा है. ये नहीं कि आप उसके साथ स्विंग करके निकल जाओ, ऐसे नहीं. कह रहे वरना आप ना इमोशनली स्विंग करते रहोगे इधर से उधर. कहते हैं कि यहाँ पे जब भी कभी वो होगा ना आपके अंदर, क्या कहते हैं, ब्लॉकेज होगा, तो जब आप इस ब्लॉकेज को समझने की कोशिश करोगे, और ये ब्लॉकेज
खोलने के लिए आपको दूसरों को देख देख के ही सीख सकते हो आप ये, या आप मेडिटेशन वाली स्टेट में जाके इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है? और जब ये समझ में आ जाए तो इसको इसको भी मान लो और एक्सेप्ट कर लो कि ओ अच्छा ये कमी भी है मेरे अंदर। जैसे ही आप ये मान लोगे कि ये कमी है मेरे अंदर, कह रहे वो एकदम से ब्लॉकेज खुलेगी और फिर एनर्जी नीचे से ऊपर, ये जो क्रिएटर की लाइट है फिर नीचे से ऊपर जाना शुरू कर देगी। कहता है जो थर्ड ब्लॉकेज है, मतलब जो थर्ड गांठ लगी हुई है, ये मैम ये सारी इनको ब्लॉकेज को हम गांठ ही बोलते हैं, मतलब गांठ ही बोल के चलते हैं। कह रहे जो तीसरी गांठ है इसको है, जिसको तुम अहंकार बोल रहे हो, कह रहे ये येल्लो येल्लो कलर का होता है तुम्हारे अंदर ये चक्र, इसको सोलर प्लेक्सस भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है? तो कह रहे हाँ इसको क्या बोलते हैं मैम? मणिपुरा चक्र है ये, ठीक है? तो इस चक्र के अंदर जब ब्लॉकेज होगी ना आपके, कभी भी होगी, तो आप देखना आपका खुद का बिहेवियर ऐसा हो जाएगा कि आप अपना काम निकालने के लिए ना दूसरों को इधर उधर घुमाने के कि मेरा काम ऐसे हो जाए, मेरा काम ऐसे हो जाए, आपके 24 घंटे दिमाग में इसी तरीके की चीजें रहेंगी। और पावर की तरफ आप जाने की कोशिश करोगे कि मैं कितने लोगों के ऊपर रूल कर सकता हूँ, मैं पावरफुल कितना हो सकता हूँ, और इसी तरीके के बिहेवियर होंगे कि मतलब दूसरों को दबा के, दूसरों को काट के, ऐसे करके वैसे करके और आगे निकलने की कोशिश। कह रहे यहाँ पे होती है वो ब्लॉकेज। कह रहे अगर आपको ये वाली ब्लॉकेज समझ में आ गई कि ओहो मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ, फिर से ये गलती हो रही है, कह रहे फिर उसको भी मान लो, उसे भी एक्सेप्ट करो कि हाँ यार ये गलती हो रही है मेरे से। कह रहे जैसे ही आपको ये पता चलेगा ना कि आपसे गलती हो रही है, कह रहे तब जाके वो वाला भी गांठ जो है वो खुलेगी। जब वो खुलेगी फिर वो नीचे से उधर से भी आगे जाना शुरू करेगी। कह रहे कि जब ये सारी ब्लॉकेजेस, नीचे की तीन ब्लॉकेजेस खुलना शुरू हो जाएंगे, मतलब नीचे की तीन गांठें खुलेंगी, तब जाके आपको समझ में आएगा कि लॉ ऑफ वन का जो क्रिएटर के बनाए हुए जो वो है तरीके हैं वो काम कैसे करते हैं। अगर आप इन तीन में फंसे हुए हो तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्रिएटर के तरीके जो काम करने के तरीके हैं वो कैसे हैं, ठीक है? यही एक बार आपने ये तीन खोल लिए ना तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये है लॉ ऑफ वन, अब समझ में आ रही है मुझे, अब मैं इसकी तरफ निकलना शुरू करता हूँ। फिर इसके बाद वो कहता है कि अगला जो है आपका चक्र वो दिल के पास ही होता है, उसे बोलते हैं हार्ट चक्र, ठीक है? हार्ट चक्र कह लो, दिल के पास कह लो, हरे रंग का होता है ये। अच्छा बाय द वे आपको ये भी बता दे, जैसे जैसे चक्र खुलते जाते नहीं आपको दिखेंगे नहीं, आप देख सकते हो वैसे मेडिटेशन वाली स्टेट में क्या है इनका स्टेटस, लेकिन ये जैसे जैसे खुलते जाएंगे ना आपके अंदर ये चमकना शुरू कर देते हैं। और जब ये चमकना शुरू करते हैं ना, इनकी चमक आपकी आंखों में, आपकी बातों में, आपके चेहरे पे आनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। आप कभी नोटिस करना, कुछ लोग बड़े इस तरीके के होते हैं ना, तो उनके बड़े अलग ही ऑरा होता है, उनका मजा आता है उनके पास बैठने में, ठीक है? तो यहाँ पे शुरू करते हैं कि जब किसी का हार्ट चक्र खुलना शुरू होता है ना, तो आप तब ये मान के चल लो कि जैसे कि आपको किसी ने पानी के अंदर मोटर बोट आपके हाथ में दे दी है फुल स्पीड वाली, कि आपने एकदम से वो मोटर बोट चलाई और जूम करके सीधा आप निकले और सीधा क्रिएटर की तरफ निकल के उसकी इंटेलिजेंस को समझने के लिए, मतलब उसके ज्ञान को समझने के लिए। कह रहे कि इसमें जब गांठ लगी होती है ना, जब गांठ इसमें लगी होगी तो आपको ऐसे पता चल जाएगा अपने आप के साथ कि ये जो प्यार है ना, यूनिवर्सल लव, और दूसरों के लिए जो सहानुभूति होती है, ये अगर आपके अंदर नहीं है ना तो समझ लेना गांठ लगी हुई है इस वाले में। और इसकी गांठ को समझने के बाद जब आप देखोगे कि हाँ भाई ये गांठ लगी हुई है, आप जैसे ही अपने आप को इसके लिए देखो करना तो आपको खुद ही पड़ेगा, जैसे ही गांठ खुलेगी समझ लेना कि क्रिएटर ने आपके हाथ में वो दे दी है एक मोटर बोट, ये अब निकल जाता हूँ मेरी इंटेलिजेंस को समझने के लिए, क्योंकि अब तुझे समझ में आ रहा है कि दूसरों की सहानुभूति और दूसरों का प्यार जो करेगा ना तू, अरे यही मेरा प्यार है, यही ऐसे ही बनाई है मैंने पूरी दुनिया, तब आप निकलना ऊपर शुरू करते हो इस गांठ के खुलने के बाद। कहते हैं इसके बाद वाला जो तुम्हारा सेंटर है, कह रहे उसे बोलते हैं ब्लू रे, ब्लू ये नीले रंग का होता है, ठीक है? नीले रंग का होता है, क्या कहते हैं मैम इसे? अजना चक्र। हाँ अजना चक्र, कहते हैं ये नीले रंग का होता है, अजना चक्र इसको बोलते हैं, ठीक है? हालांकि इसमें इसे चक्र नहीं लिखा है यहाँ पे, तो इसने सेंटर बताए हुए, लेकिन हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारे उसमें पढ़ा है हम लोगों ने, उसके हिसाब से चलते हैं। कहते हैं कि इस तरीके से होता है कि ये एनर्जी जो है ना, इस स्टेज पे जाके जैसे आप हार्ट चक्र क्रॉस करोगे ना, नीचे से तो एनर्जी आ रही होती है, कह रहा है कि जैसे ही ये वाला खुलता है, कह रहा है ऊपर से सर की तरफ से भी एनर्जी आनी शुरू हो जाती है, कह रहे तो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे इसके अंदर आके मिल रही होती है दोनों की दोनों। कहते हैं इस चक्र के अंदर अगर आपकी गांठ लगी होगी ना,
तो आपको पता चल जाएगा कि आप अपने आप को दूसरों को बताने में आपको झिझक आ रही है। आप जैसे भी हो, आपको ये सोच रहे हो यार पता नहीं सामने वाला कैसे सोचेगा। अगर ये झिझक आपके अंदर है, विशुद्धि चक्र, क्या सिद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र, अरे हाँ, you're talking about throat chakra, हाँ, that is विशुद्धि, अजना is the third eye chakra, हाँ, ठीक है, तो विशुद्धि चक्र है ये, मैं तो कह रहा कि यहाँ चक्रास के ऊपर वीडियोस किए थे, तो मैं वो लिस्ट में ढूंढ रही थी और वो मैंने ग्रुप में शेयर किया है, तो इसलिए मेरा ध्यान थोड़ा वो मैम हमारे पास भी है, लॉ ऑफ वन की ओरिजिनल जो है ना कॉपी, वो हमारे पास भी है, वो आपसे शेयर कर देंगे। नहीं, मैं लॉ ऑफ वन की कॉपी की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने अपने चैनल पे एक कोई आया था, उसने चक्रस के बारे में बहुत सारी डिटेल्स शेयर की थी, मैं उसकी बात कर रही हूँ, तो आई वाज लुकिंग फॉर दैट। काफी काफी अच्छे अच्छे लोगों को है, काफी लोगों को है, बट फिर भी जिनको नहीं है मैंने शेयर कर दी, तो मेरा ध्यान उधर था, तो विशुद्धि चक्र सही कह रहे ठीक है। तो ये कह रहा है कि जैसे ये विशुद्धि चक्र आपका ओपन होता है ना, मतलब यहाँ पे देखो गांठ लगी हुई है, आपको पता कैसे चलेगा गांठ लगी है, तो आपको ऐसे पता चल जाएगा कि आप दूसरों से हिचक रहे हो अपनी बात बोलने में। अगर आप हिचक रहे हो ना दूसरों से अपनी बात बोलने में, अगर आप नहीं बोल पा रहे हो, आप ये सोच रहे हो सामने वाला कैसे लेगा इस चीज को, हो सकता है वो उसे एक्सेप्ट करे, हो सकता है रिजेक्ट करे, हो सकता है इग्नोर कर दे। अगर आपके दिमाग में ये चीज है, ये तीनों चीजें कि भाई ये एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा या इग्नोर करेगा, भाई वो उसकी चॉइस है ना, आपकी थोड़ी ना है। आप तो अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, बस उसको देने का तरीका होता है, राह अभी आगे बताएगा कैसे देते हैं। तो वो ये कह रहा है कि अगर यहाँ पे गांठ लगी है तो समझ लेना कि ये हिचक है आपके अंदर अभी, और आपको ये भी हिचक है कि भाई ये सामने वाला जो है ना मेरे से अलग है, जबकि वो और आप एक ही हो। कह रहे अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि वो और आप एक ही हो, तो आपके अंदर से हिचक चली जाएगी, और जैसे ही हिचक जाएगी कह रहा ये वाला चक्र भी आपका ओपन हो जाएगा। कह रहे जैसे ही ये ओपन होगा, कह रहे नीचे से भी एनर्जी ऊपर जाएगी और सर की तरफ से ऊपर से भी नीचे आएगी, जो यहाँ पे भी शुद्धि चक्रा में जाती है, क्योंकि देखो ये थ्रोट में है चक्रा, यानी मुंह से बोलना है, तो बोल के करनी है बात, तो मुंह से बोलोगे तभी तो हिचक खत्म होगी ना। हिचक बैठे बैठे थ्रोट, इसमें एक और चीज उसने बोली है कि हार्ट चक्र से लेकर ऊपर नीचे के तीन चक्र सामने से होते हैं, हालांकि दोनों चक्र जो नीचे थर्ड आई से लेके सेक्रल चक्र तक जितने चक्र है ना पांच, वो ऊपर नीचे आगे पीछे चारों तरफ खुलते हैं। रूट चक्र सिर्फ नीचे और ऊपर, और क्राउन चक्र सिर्फ ऊपर और नीचे, तो लेकिन जो एनर्जी है नीचे के जो तीन चक्र है रूट सेक्रल और सोलर प्लेक्सस, इनका आमतौर पे सामने से फर्क होता है, इसीलिए जब हम किसी को मिलते हैं तो नमस्ते करते हैं जो कि हमारे हार्ट के सामने होता है, और हाथों को जब किसी अनजान इंसान से मिलते हैं तो अपनी क्या बोलते हैं इसको, नेवल को क्या बोलते हैं, धुन्नी क्या बोलते हैं, नाभि, नाभि के आगे हाथ रखते हैं, क्योंकि वहां से आप किसी की नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी अंदर लेते हो। तो कभी भी कोई इंसान ऐसा हो अपने हाथ सामने बांधते हैं नॉर्मली, वो इट कम्स बाय डिफॉल्ट, पीछे से नहीं होता, लेकिन हार्ट चक्र और विशुद्धि चक्र और अजना चक्र, ये तीनों जो ऊपर के चक्र हैं, ये पीछे से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो इंसान रूट चक्र वीक होगा उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जिस इंसान का सेक्रल चक्र वीक होगा उसमें सेल्फ एस्टीम नहीं होगी, जिस इंसान का सोलर प्लेक्सस वीक होगा उसके अंदर सेल्फ वर्थ नहीं होगा, जिसका हार्ट चक्र वीक होगा या इम्बैलेंस्ड होगा, वो डिपेंड करता है कि अगर पीछे से वीक है तो उसे ये लगेगा कोई मुझसे प्यार नहीं करता, अगर कोई उसे प्यार करता नहीं मतलब प्यार आता नहीं उसकी जिंदगी में, एंड सामने से वीक होगा तो वो किसी को प्यार दे नहीं पाएगा, वो सद्भावना कंपैशन वो होगी नहीं। जब आपका थ्रोट चक्र इम्बैलेंस्ड है, अगर सामने से इम्बैलेंस्ड है, तो जो लोग हकलाते हैं, तोतले हैं, या अपने मन की बात बोल नहीं पाते, उनका सामने से इम्बैलेंस्ड है। जो लोग सिर्फ बोलते हैं और किसी की सुनते नहीं, जैसे लोग अक्सर मुझे कई बार बोलते हैं कि मैं बोलती बहुत हूँ, तो उनका पीछे से इम्बैलेंस्ड है, मतलब ब्लॉक्ड है। तो इट कुड बी कि पूरी तरह ब्लॉक नहीं है, इम्बैलेंस्ड है। When you come to, energy कम स्ट्रीम कर रही होती है,
कम स्ट्रीम कर रही होती है, जिस जिस स्पीड में वो जानी चाहिए ना, हाँ. मतलब जितनी तेजी से चमक होनी चाहिए उसके अंदर, वो चमक हल्की हल्की फीकी सी रहती है वहां पे. तो जब थर्ड आई पे आते हैं तो वो इंट्यूशन से उसका ताल्लुक है, आप आगे समझाओगे आप, लेकिन वहां पे उसको एक्टिवेट किया जा सकता है. जब आपका एक चक्र खुलता है, आप एक पल के लिए भी, एक पल, मैं एक पल की बात कर रही हूँ, एक पल के लिए भी अगर आपके मन में नेगेटिव इमोशन आ जाता है, आपका चक्र उसी वक्त ब्लॉक हो जाएगा. इसलिए आपके लिए हर वक्त बहुत पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है. आपने जैसे ही, आपका कितना भी हार्ट चक्र खुला हो, एक पल के लिए किसी के लिए नफरत या गुस्सा आ गया, हार्ट चक्र ब्लॉक्ड, दैट इज व्हाट इट इज. हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू, यू वर एट द विशुद्धि चक्र. हाँ, तो मतलब वो ये कह रहा है कि देखो, ये जो ब्लू वाला चक्र है ना, विशुद्धि चक्र, इसको जब ये, इसमें जब ब्लॉकिंग होगी ना, तो आप समझ लेना कि आप सामने वाले की बात भी ना सुनना पसंद नहीं करोगे, आप इस तरीके के हो जाओगे, क्योंकि आपके अंदर ये रहेगा, ये सामने वाला अलग है मुझसे, क्योंकि हो सकता है उसे ज्ञान हो या ना हो, इस वजह से आ जाता है ये डिफरेंस. अदरवाइज वैसे डिफरेंस आना नहीं चाहिए, लेकिन आ जाता है ये किसी केस में. तो अब अगला वो बता रहा है, पीनियल ग्लैंड यानी तीसरी आंख वाला, इंडिगो रे जिसे बोलते हैं, पीनियल जो आपकी तीसरी आंख वाला जो चक्र होता है, इसको क्या बोलते हैं मैम हिंदी में? उसको अजना बोलते हैं. गले को विशुद्धि था, अजना चक्र वो ऊपर वाला है. हाँ, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि इसके अंदर अगर गांठ लगी होगी ना, तो आप ये मान लेना कि क्रिएटर की जो इंटेलिजेंट एनर्जी है, कह रहे कि वो इसके अंदर नहीं पहुंच पाती है. कहता है कि और ये जब नहीं पहुंचती है ना, तो इसकी वजह से सामने वाले को ये लगने लगता है, यार मैं शायद किसी काम का हूं नहीं. ठीक है, अपने अंदर की ही एक इच्छा ऐसी, अंदर से ऐसी हो जाती है कि यार मैं किसी काम का हूं नहीं, अंदर से ही हो जाता है ये. क्योंकि नॉर्मली ऐसा लगता है कि यार यहाँ तो सभी कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं. मतलब जैसे मान लो होता है ना, कभी आप देखोगे कि किसी प्रोग्राम में गए, किसी को अवार्ड मिल गया, अगला दूसरा बंदा ये सोच रहा है, अरे यार इसको तो अवार्ड मिल गया, हमें तो मिलता ही नहीं है. वो खुद ही अपना पीनियल ग्लैंड खुद ही ब्लॉक कर देते हैं, बिना ये सोचे समझे कि यार उसको मिल सकता है तो उसने ऐसा क्या किया है कि मैं भी वो कर लूँ कि मेरे को भी मिल जाए. सोचना इस डायरेक्शन में चाहिए, वो सोचते ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए उनका ये ब्लॉक हो जाता है अच्छे से. कह रहा है कि इसी को हम लोग बता रहे थे कि ये अगर तुम्हारे अंदर से निकल गया, कह रहे तो यहाँ का चक्र खुल जाएगा तुम्हारा. कह रहा है ये जो इंडिगो रे बैलेंसिंग है ना, ये है वो मेन चीज. मतलब ये तीसरी आंख का चक्र है ना, कह रहे ये है वो मेन चीज. अगर ये किसी का ओपन हो गया, तो तीसरी डेंसिटी से चौथी डेंसिटी में जाना उसके लिए आसान हो जाता है फिर. कह रहे जब ये आसान हो जाएगा ना, क्योंकि एनर्जी ऊपर से भी आ रही होती है, नीचे से भी आ रही होती है, तो ये जब एक्सपैंड करना शुरू करता है ना, कह रहे तो इसके बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन यानी थर्ड डेंसिटी से फोर्थ डेंसिटी में जाने की पूरी इसके लिए सारी चीजें खुल जाती हैं, फिर ये उसी डायरेक्शन में निकल जाता है. कहता है कि और यही वो चाबी है जहां से आप क्रिएटर के साथ डायरेक्ट अपना कनेक्शन बना देते हो. अरे फिर आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, आपका डायरेक्ट हो जाता है कनेक्शन. कहता है फिर इसके ऊपर जो सबसे ऊपर का चक्र है आपका मैम, जिसे आप क्राउन चक्र बोल रहे थे, सबसे ऊपर का चक्र है जो सर के ऊपर होता है, सहस्रारा. कहता है कि सहस्रारा. तो ये जो चक्र होता है ना, कहता है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं होता, इसको कोई बैलेंस नहीं करना होता. कह रहा है इनके अंदर जितनी भी एनर्जी निकल रही होती है, इनके अंदर का जो बैलेंस होता है ना, कह रहा है ये उसका सम टोटल होता है बस. इसका काम केवल ये है कि उस बैलेंस को और जो उस संतुलन को और उस असंतुलन को, कह रहा है इन दोनों को बस देखना, यही काम होता है उसका. कह रहा है कि वो कुछ बैलेंस नहीं करता है, कह रहा है वो केवल इंफॉर्मेशन को गैदर करके अपने पास रखता है बस, उसका और इससे ज्यादा कोई काम नहीं है. और कह रहे ना ही वो मैनिपुलेट हो सकता है, ना ही उसे कोई चेंज कर सकता है. कह रहे कि उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, कह रहे उसका तो यही है कि वो बस सिंपली एक तरीके से ऐसा हो गया कि वो एक सेंट्रलाइज्ड एक ऐसी जगह हो गई जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन जाके इकट्ठी हो गई बस, तो वहां पे कोई जजमेंट नहीं होती किसी भी तरीके की. तो ये उसने सारे के सारे चक्र उसको संतुलन बनाने के लिए बता दिए कि ये है वो तरीका, ऐसे बनता है संतुलन. आगे चलते हैं मैम. हेलो हेलो. हाँ जी, हाँ जी, आगे सर, आगे पढ़ो. ओके, यू प्रीवियसली गेव अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट वी शुड डू इन बैलेंसिंग. इज देयर एनी इंफॉर्मेशन दैट वी कैन पब्लिश नाउ अबाउट एनी पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस और मेथड्स ऑफ बैलेंसिंग दीज सेक्टर्स दीज सेंटर्स?
यहाँ पे डॉन सवाल नहीं कोई बात नहीं कर लो, मैं सवाल और जवाब दोनों एक साथ बता दूंगा. The exercises given for publication, seen in comparison with the material now given, are in total a good beginning. It is important to allow each seeker to enlighten itself rather than for any messenger to attempt in language to teach learn for the entity, thus being teach learner and learn teacher. This is not in balance with your third density. We learn from you, we teach to you, thus we teach learn. If we learn for you, this would cause imbalance in the direction of the distortion of free will. There are other items of information allowable. However, you have not yet reached these items in your lines of questioning. And it is, I believe, feeling complex that the questioner shall shape this material in such a way that your mind-body-spirit complex shall have entry to it. Thus, we answer your queries as they arise in your mind complex. तो अगला सवाल डॉन से करता है कि अच्छा आपने हमें ये तो बता दिया कि ये संतुलन किस तरीके से बनाया जा सकता है, क्या हमें कुछ आप ऐसी टेक्निक या एक्सरसाइज दे सकते हो ताकि हमारे अंदर की जितने भी ये चक्रा है हम इसको बैलेंस कर सकें. तो रा उसे जवाब देता है, रा कहता है कि देखो भाई ये जो आप हमसे इंफॉर्मेशन मांग रहे हो ना, कह रहा है ये लिख के तुम्हें नहीं बताई जा सकती, कहता है कि जो हमने बता दिया है ना इसको अंडरस्टैंड करो और अंडरस्टैंड करके खुद अपने आप के अंदर की ये रोशनी को जगाओ. ये एनलाइटनमेंट जो होती है एक एक आदमी की खुद की जिम्मेदारी होती है, ना कि हम में से हम जैसा कोई टीचर आएगा और आपको सिखाएगा ये चीज़ कि इसको करना कैसे है. कह रहे हमने तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी है, अब तुम देख लो तुम इसे कैसे करोगे. कह रहे कि तुम्हारी भाषा में सिखाना और सीखना, कह रहे हम तो यही दोनों चीज़ें कर रहे हैं तुमसे. कह रहे कि जैसे अब तुम जैसे जिस डेंसिटी में तुम हो ना थर्ड डेंसिटी में, कह रहे हम तुम्हें केवल बता सकते हैं. कह रहे कि हमने तुम्हें बताया और जब हम तुम्हें बता रहे हैं तो हम तुमसे सीख भी रहे हैं. कह रहे मान लो अगर तुम्हारी जगह पे हम करने लग जाएं इस काम को, मतलब तो तुम्हारी जगह पे हम ये करें तुम्हारे मतलब चक्रास ओपन करने लग जाएं, कह रहे तो ये तुम्हारी आज़ादी का उल्लंघन है, चाहे बेशक तुम इसे हमसे मांगी क्यों ना लो. कह रहे तुम्हें पता नहीं चलेगा. कह रहे कि क्रिएटर ने बनाया इस तरीके से कि ये काम हर इंसान को, हर व्यक्ति को, हर एंटिटी को खुद करना होता है. इसको कोई आपके बिहाफ पे नहीं कर सकता है कि आपके मतलब कि मान लो गिनी जी के चक्रास ओपन करने मैं यहाँ घर में बैठ के मेडिटेशन कर रहा हूँ और वहाँ से गिनी जी के चक्रा ओपन हो गए, कह रहे तो वो पॉसिबल नहीं है दोस्त, हमने तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दिया. कह रहे कि इसलिए हम तुम्हें ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे तुम्हारे सवाल आते जाएंगे ना हम तुम्हें जवाब तो देते जाएंगे, लेकिन जहाँ पर हमें लगेगा ना तुम्हारी आज़ादी का उल्लंघन हो रहा है वहां पर हम तुम्हें ये भी बता देंगे कि ये इंफॉर्मेशन हम तुम्हें नहीं दे सकते. यार इसी तरीके से ये चलता है, हर इंसान को अपना खुद करना होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, ये दिस इज 15.14. यस्टरडे यू स्टेटेड द हार्वेस्ट इज नाउ, देयर इज नॉट एट दिस टाइम एनी रीजन टू इंक्लूड एफर्ट्स अपॉन दीज डिस्टॉर्शंस टुवर्ड्स लॉन्जेविटी, but rather to encourage distortions towards the heart of self. For this which resides clearly in the violet ray energy field will determine the harvest of each mind, body, spirit complex. Could you tell us how to seek or the best way to seek the heart of self? आप सवाल पढ़ लो फिर मैं बाद में जवाब पढ़ती हूँ क्योंकि ये थोड़ा लंबा है. ठीक है. तो यहाँ पे अगला सवाल उससे डॉन पूछता है, कहता है कि आपने पिछले सेशन में हमें बोला था कि कटाई का वक्त अभी है, तो कटाई का वक्त अगर अभी है तो आप ये आपने ये भी कहा था कि भाई इस टाइम पर ये सोचना कि भाई मेरी उम्र कैसे बढ़ जाए और ये सारी चीज़ें कैसे हो जाए, कह रहे इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इससे बेटर ये है कि तुम अपने आप दिलों के अंदर झांकना शुरू कर दो. ठीक है, अगर दिलों के अंदर झांकोगे तभी तुम्हारी जो वो वायलेट रे है मतलब जो तुम्हारी जो तीसरी आँख है ना, कह रहे वो तब खुलनी शुरू होगी, कह रहे और तुम्हारी हार्वेस्टिंग भी तभी होगी. कह रहे जब तक दिल नहीं खुलेगा कह रहे हार्वेस्ट हो ही नहीं सकती तुम्हारी. तो डॉन उससे फिर आगे पूछता है, कह रहे कि आप हमें तरीका बता सकते हो कि हम इसे ढूंढे कैसे, अपने दिल के अंदर अपने आप को कैसे ढूंढे. We have given you this information in several wordings. However, we can only say the material for your understanding is the self, the mind-body-spirit complex.
You have been given information upon healing, as you call this distortion. This information may be seen in a more general context as ways to understand the self. The understanding, experiencing, accepting, and merging of self with self and with other self and finally with the creator is the path to the heart of self. In each infinitesimal part of yourself resides the one in all of its power. Therefore, we can only encourage these lines of contemplation, always stating the prerequisite of meditation, contemplation, or prayer as a means of subjectively, objectively using or combining various understandings to enhance the seeking process. Without such a method of reversing the analytical process, one could not integrate into unity the many understandings gained in such seeking. तो यहाँ पे डॉन ने सवाल, आपको याद होगा, डॉन ने सवाल पूछा था कि आप बता सकते हो कि हम अपने दिल में झांक के कैसे, मतलब कैसे झांके अपने दिल के अंदर कि अपने आप को कैसे समझें। तो राव से कहता है कि देखो, ये हमने तुम्हें अलग अलग शब्दों में पहले बताया था, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया। कह रहे देखो, अपने आप को जो समझना होता है ना, वो अपने दिमाग को, अपने शरीर को और अपनी आत्मा को, कह रहे तीनों को समझना होता है। कह रहे हमने इसीलिए तुम लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि भाई हीलिंग कैसे होती है, मतलब जो क्रिएटर की एनर्जी है इसका इस्तेमाल करके हीलिंग कैसे होती है। कह रहे कि इसको ना तुम नॉर्मली लेके चलना कि हाँ जैसी है ये इन्फॉर्मेशन वैसी है, कि ये एक तरीका है अपने आप को समझने का, बस। कह रहे इससे ज्यादा अगर आप करोगे कोशिश इसको समझने की तो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा आपके लिए। कह रहे देखो, आप जो भी चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, जो भी अंडरस्टैंडिंग आपको मिल रही है, जो भी चीज़ आप एक्सपीरियंस यानी महसूस कर रहे हो रोज की अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, उसे महसूस करो, उसे मान लो, एक्सेप्ट कर लो। कह रहे उसको अपने अंदर डाल लो, मतलब मर्ज कर लो अपने अंदर। कह रहे जब अपने अंदर उसको डालते चले जाओगे ना, उसी एक्सपीरियंस को दूसरों के अंदर भी ढूंढना शुरू कर दो कि किस किस के अंदर इस तरीके का एक्सपीरियंस है मेरे जैसा। कह रहे कि जब आप वो करने लग जाओगे ना, तो आपको लगेगा धीरे 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 आप क्रिएटर की तरफ जा रहे हो। कह रहा ये ही है वो अपने दिल का रास्ता ढूंढने का तरीका, ठीक है, इसी तरीके से आपका दिल खुलेगा। कह रहा कि तुम्हारे पूरे अंग अंग में एक एक जगह पे, कह रहा अनगिनत अनगिनत जगहों पे क्रिएटर बैठा है अपनी पूरी पावर के साथ। कह रहा कि जब वो तुम्हारे अंदर बैठा है ना, उसको अपने अंदर ढूंढो, ना कि बाहर ढूंढना शुरू कर दो। कह रहा कि हालांकि दूसरों के अंदर भी देखो कि मेरे तरीके से और कौन लोग हैं जो बिहेव कर रहे हैं। जब तुम्हें ये पता चलेगा कि दूसरे मेरी तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक जुड़ाव पैदा होगा। कह रहे वो जो जुड़ाव होता है ना, वो दिल से ही होता है, अब वो चाहे नेगेटिव साइड में हो या पॉजिटिव साइड में, कह रहे वो जुड़ाव होता है, ठीक है। तो कहते हैं हम तुम्हें, वो कह रहे हैं कि हम तुम्हें एक ही चीज बता सकते हैं कि जब तक तुम मेडिटेशन या कंटेम्पलेशन यानी किसी भी चीज को सही गलत गलत सही जैसे दोनों तराजू में संतुलित नहीं करोगे ना अपनी। हेलो आवाज चली गई थी बीच में आवाज अच्छा। चली गई थी, अब आ रही है, ठीक है। तो आपको वाला पार्ट समझ में आ गया होगा जहाँ पे वो कह रहे हैं तुम्हारे शरीर में क्रिएटर अंग अंग में है, बैठा हुआ है। ये समझ में आ गया था ना, ये आप जरा दोबारा समझाओ। डज एनीबॉडी हैव अ क्वेश्चन अबाउट दिस, बिकॉज ये पिछला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, मैं पहले मैं आंसर दे दूं, पहले मैं आंसर दे दूं उसके बाद सवाल कर लेना, इसके बाद बेशक। हाँ, वरना वो मेरा फ्लो टूट जाता है। मुझे लगा शायद हो गया। Okay. नहीं नहीं, वो okay. कहता है देखो, अपने आप को समझने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आप जो जो रोज चीजें महसूस कर रहे हो, जो आपके साथ में हो रही हैं और जो दूसरों के साथ में हो रही हैं, उन्हें समझो, उन्हें एक्सेप्ट करो, कह रहा, और उनको अपने अंदर डाल लो। और आप जब अपने अंदर डाल लो, तो फिर उनको दूसरों के अंदर भी देखने लगो कि भाई मेरी तरीके से और कौन कौन क्या कर रहा है। कह रहा इस तरीके से आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे आपका ना दिल खुलता जा रहा है। अरे जब वो दिल खुलना शुरू होगा, तो आपको पता चलेगा कि आप क्रिएटर के रास्ते पे निकल चुके हो। कह रहा है कि आपके अंग अंग में, आपके शरीर की आत्मा में, आपके अंग अंग में एक एक सेल के अंदर क्रिएटर बैठा है अपनी पूरी पावर के साथ। कहता है कि इसलिए हम तुम्हें ये कह रहे हैं कि दोस्त, बिना मेडिटेशन किए या बिना कंटेम्पलेशन यानी किसी भी चीज की दोनों साइड देखे बिना, और या बिना प्रेयर के, प्रेयर कह लो या आयते पढ़ना कह लो या मंत्र का जाप करना कह लो या कुछ भी कह लो, आप कह रहे कि जब तक आप ये चीजें नहीं करोगे ना,
कह रहे आप क्रिएटर की डायरेक्शन में नहीं जा सकते किसी भी हाल में, कह रहे आपका वो ना ढूंढने का प्रोसेस ही नहीं चालू होगा, भाई कैसे कैसे क्रिएटर ने ये सारा कुछ रचा है, क्या किया है। कह रहे कि जब आप ये करोगे ना, तब ये करने से आपका दिल खुलेगा, जब दिल खुलेगा तब आप क्रिएटर की उस यूनिटी को समझना शुरू करोगे, तब आपको जो अंडरस्टैंडिंग आएगी ना इससे, जो समझदारी आएगी आपको, जो ज्ञान मिलेगा इससे, अरे उसको कहते हैं ढूंढना। अरे वो जब एक बार रास्ता खुल गया तो समझ लो आप नेक्स्ट डेंसिटी के लिए तैयारी आपकी शुरू हो गई है, या कह लो कि आप तैयार हो चुके हो नेक्स्ट डेंसिटी के लिए। आपकी तरफ थोड़ी सी डिस्टरबेंस है पा, तो मैं ये पूछ रही थी, ये जहां जो यहां पर राह समझा रहा है कि आप कुछ भी कर लो, आपके अंदर क्रिएटर को ढूंढो, वो मेडिटेशन के द्वारा या प्रेयर के द्वारा, और आपके जिस तरह का इंसान कौन है उसे पहचानो। अब जब भी वो ये कहता है तो मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, एक इंसान है जो पाठ पूजा नहीं करता, मेडिटेशन नहीं करता, प्रेयर नहीं करता, लेकिन दुनिया का भला करने में लगा है, और एक इंसान है जो दिन रात पाठ पूजा मेडिटेशन करता हो लेकिन उसे दुनिया का भला सोचने से फुर्सत ही नहीं, क्योंकि वो हर वक्त अपना अपने बारे में सोच रहा होता है। तो इन दोनों की तुलना कैसे करेंगे? और जब आप कहते हो कि अपने जैसा इंसान ढूंढो, क्या वो ये कह रहा है कि ऐसा इंसान ढूंढो जिसकी मानसिकता आपसे मिलती है, या क्या वो ये कह रहा है कि दूसरों में खुद को ढूंढो, कि जो आप हो वही दूसरा है, तुम सब एक ही हो, यू नो हाउ डू आई एक्सप्लेन, यू आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम फ्लेम, मैं तुम हो तुम मैं हूं, वो एक्चुअली दोनों में से कौन सी बात कह रहा है? इसलिए मेरे दिमाग में ये सवाल थे, काफी सारे सवाल थे इसमें। हाँ थे, क्योंकि ये जो उसने बोला है, ये वाला पैराग्राफ और इसके पहले वाला जो पैराग्राफ उसने बोला है यहाँ पे कि वी टीच लर्न, लर्न टीच, ये वाला और ये वाला, ये दो आंसर्स ने मेरे दिमाग में सवाल खड़े कर दिए, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। देखो मैम, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि देखो, एक आदमी है जो दूसरों की सेवा करे चले जा रहा है लेकिन उसे पता नहीं है, ठीक है, वो ना ही ये मेडिटेशन कर रहा है ना कुछ कर रहा है। देखो मैम, प्रोग्रेस तो वो भी कर रहा है, ऐसी बात नहीं है प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, वो फर्क सिर्फ इतना है उसे क्रिएटर के बनाए हुए ज्ञान का अंदाजा नहीं है अभी पूरा। अगर उसे वो ज्ञान मिल जाए तो उसकी प्रोग्रेस और तेज हो जाएगी, तो पॉजिटिव वाली पाथ पे निकल जाएगा। अब इसी के कॉन्ट्ररी दूसरा बंदा ले लेते हैं हम लोग, जो भाई पूरी पूजा पाठ कर रहा है। एक मिनट, अगर उसे ज्ञान मिल जाए, ज्ञान मिलना अलग होता है, ज्ञान मिलने के बाद भी, मतलब उसको ईश्वर का ज्ञान हो गया, ठीक है, वो उसे पता चल गया कि ईश्वर हर एक में है, हर एक की सेवा करना करने में ही उसका भला है, फिर भी वो प्रेयर और मेडिटेशन नहीं कर रहा है, वो क्योंकि उसके लिए कर्म प्रधान है। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क, कंटिन्यू प्लीज। हाँ मैम, देखो उसकी प्रोग्रेस तो होगी, आपको याद होगा एक सेशन में रा ने कहा था कि देखो वो कर्म करते हुए अपना चला तो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कह रहा लेकिन वो जो अंडरस्टैंडिंग है ना प्रॉपर, कह रहा वो तब तक नहीं आ सकती जब तक ये इन्फॉर्मेशन उसके रूट ऑफ द माइंड यानी उस दिमाग के पेड़ की जड़ में ना पहुंचे, तब तक वो उसकी प्रोग्रेशन तेज नहीं हो सकती। कर्म प्रधान हो सकता है, वो दूसरे की मदद भी कर सकता है, वो सारी चीजें कर रहा है वो, लेकिन अगर वो मेडिटेशन प्रेयर और ये सारी चीजें नहीं करता है ना उसके साथ साथ, तो वो कंटेम्पलेट नहीं कर पाएगा कि क्या सही है क्या गलत है, उसको दोनों साइड देखनी पड़ेंगी ना, एक ही साइड ऐसे तो निकलता ही चला जाएगा एक ही साइड में, ठीक है, तो वो जब तक उसके दिमाग के अंदर नहीं बैठेगी ना वो चीज अच्छे से, तब तक उसकी प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी, उतनी तेजी से नहीं हो पाएगी। प्रोग्रेस तो होगी उसकी, उतनी तेजी से नहीं हो पाएगी। इसलिए मेडिटेशन और कंटेम्पलेशन और ये सारी चीजें मैम, ये सारी सिविलाइजेशन मेडिटेशन कर करके ही आगे निकली है सारी की सारी, इन्हें पता चल गया था कि यही वो तरीका है, ऐसे ही निकला जाता है आगे, तभी जाके अब ये अपनी जो सेवाएं देते हैं ना वो बहुत अच्छे तरीके से देते हैं, इनको पता है कि कहाँ पे कब कितना करना है, जरूरत से ज्यादा भी नहीं करेंगे, जरूरत से कम भी नहीं करेंगे, और इन्हें ये भी पता है कि भाई दूसरे की आजादी का उल्लंघन नहीं करना है। अब मान लो कोई किसी की सेवा करने से चाहता है, ठीक है, अगला मांग ही नहीं रहा है सेवा, आप जबरदस्ती घुस गए उसकी सेवा करने के लिए, तो आपने कर दी ना उसकी आजादी का उल्लंघन, समझ रहे हो आप? ज्ञान ना होने की
ध्यान ना होने की वजह से गलतियां हो जाती हैं, इसीलिए कहते हैं एरर फटे में टांग मत अड़ाओ, फटे में टांग नहीं अड़ानी। अच्छा एक मैंने आपसे सवाल और पूछा था कि अगर कोई इंसान मेडिटेशन कर रहा है, प्रेयर, मतलब मैं आपको सीधी भाषा में बात करती हूँ, एक इंसान ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा है, सुबह शाम मंदिर जा रहा है, भगवान के आरती मंत्र सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसके अंदर वो लव कंपैशन जो होना चाहिए दुनिया के लिए, औरों के लिए, या दूसरों को अपने जैसा समझे, या खुद को उनके, यू नो, एक ह्यूमिलिटी होती है, एक विनीत विनीत कैरेक्टर होता है, वो नहीं है, तो क्या वो इंसान सिर्फ मेडिटेशन प्रेयर करने से या भगवान का नाम लेने से क्या वो उसको प्रोग्रेस हो जाएगी? नहीं होगी ना, फंस गया ना येलो वाले चक्र में। वही तो मैं कह रही हूँ, नहीं नहीं होगी ना उसकी प्रोग्रेस, वो रिपीट करेगा, नहीं होगी उसकी प्रोग्रेस, हो ही नहीं सकती, क्योंकि क्योंकि देखो अगर वो सारी चीजें कर रहा है, चलो ठीक है मेडिटेशन कर ले, प्रेयर कर ले, कुछ भी कर ले वो, पर उसको अभी तक ज्ञान नहीं है कि क्रिएटर की लॉज काम कैसे करती हैं। उसको तो लग रहा है वो सही कर रहा है, वो तो कर रहा है, चलो ठीक है अपनी जो पूजा पाठ अपना सब कुछ कर रहा है, अपनी सारी चीजें कर रहा है, लेकिन इस किताब के अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाए, हम भी देखो उसके जज नहीं हो सकते सच बताए तो, लेकिन इस किताब के अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाए तो इसका मतलब वो अभी येल्लो वाले उसमें पावर मैनिपुलेशन और उन्हीं चीजों में अपने अपने मतलब के चक्कर में ही लगा हुआ है अभी भी, वो फंस जाएगा उसको, हाँ सेल्फ सर्विस वाले पाथ पे हो जाएगा वो गलती से, तो हो सकता है वो प्रोग्रेस करके वहां पे ओरायन ग्रुप वाली साइड में निकल जाए, नेगेटिव वाली में, ये भी हो सकता है, प्रोग्रेस तो कर जाए लेकिन उधर निकल जाए वो, और वहां का अभी तक उसका ज्ञान भी नहीं है कि वहां पे होता क्या है, वहां तो कॉन्शियसनेस ही नहीं रहती किसी के पास। ओरायन ग्रुप क्या करता है, मान लो उसके वर्ल्ड के अंदर अगर कोई चला गया ना, जो बॉडी उसको मिलती है बचपन से ही उसके दिमाग के अंदर पीछे जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स वगैरह टाइप की होती है इनकी, उससे कनेक्ट कर देते कंप्यूटर से एआई के, और वहां पे रूल लगा रखे 95% वाले, वो बचपन से ही उसके पास कॉन्शियसनेस नहीं रहती, अपनी मर्जी से वो कुछ नहीं कर सकता, ये है ओरायन का लेवल, वो उसे ग्रिड से ही हटा देता है। अच्छा, एक फंस जाते हैं लोग। एक सवाल मैंने आपसे और पूछा था कि ये जो यहाँ कह रहा है, the understanding, experiencing, accepting and merging of self, and with other self, and finally with the creator, is the path to the heart of self. मतलब यहाँ पे क्या वो ये कह रहा है, जैसे आपने कहा कि उस इंसान को पहचानो जो आप जैसा है, क्या वो ये कह रहा है कि उस इंसान को पहचानो जो आप जैसा है, मतलब कि उसकी सोच आप जैसी, आपके कर्म आप जैसे हैं, या उसका यू नो व्यवहार आप जैसा है, या वो ये कह रहा है कि ईश्वर को जो आपके अंदर है उसे औरों में भी देखो और उसे उन लोगों में वो पहचानो, कह रहा है कि सब में देखो। हाँ, सब में देखो, सब में ऐसा हो नहीं सकता ना मैम। देखो मान लो अगर कोई इंसान हमारी कहते हैं सही है गलत है, अब तो वो तो उसके एक्सपीरियंसेस है कि उसके हिसाब से वो क्या कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर अगर आप देखोगे ना कहीं जाके आपको अपने जैसा जैसे आप हो ना कुछ तो मिल ही जाएगा उसके अंदर, हल्का फुल्का ही मिले जाए। कह रहा कि उसके अंदर भी ढूंढना शुरू कर दो, कह रहे वहां से तुम्हें लर्निंग मिलेगी, ओ ये चीज मेरी वाली चीज से मैच करती है, ओ ये मेरी वाली चीज से मैच करती है, उसकी वजह से आपका दिल खुलता चला जाए। आमतौर पर क्या होता है, और इस बारे में मैं रिकॉर्डिंग बंद होने के बाद डिस्कस करूंगी, आमतौर पर क्या होता है कि इंसान के अंदर की जो चीज है ना सामने वाले में, वो अपनी नेगेटिविटी को ही पहचानता है, अपनी पॉजिटिविटी को नहीं पहचानता। जो यही तो राह कह रहा है कि उस पॉजिटिविटी को पहचानना है। हाँ, पहचानता है इंसान, एक इंसान बोलेगा इस इंसान में बहुत ईगो है, इस इंसान में बहुत नफरत है, लेकिन तुझे कैसे पता कि उसमें नफरत है या ईगो है, कहीं ना कहीं तेरे अंदर है तभी तो पहचान रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल राइट तो आमतौर पे इंसान दूसरों में कमी को ही देखता है, उसकी अच्छाई को देखता ही नहीं है। वो कमी को इसलिए देखता है ना, अभी उसको ये नहीं पता है ना कि क्रिएटर की लॉज कैसे काम करती हैं, वो जो ढूंढेगा उसको वही मिलेगा, यही बात वो जो ढूंढेगा उसे वही मिलेगा, कॉन्शियसली अपने दिमाग के से जो ढूंढेगा उसको वही मिलेगा, क्योंकि वही वो ढूंढ रहा है, और जब वो ढूंढ रहा है तो मिलेगा भी उसको वही। Let's go ahead. I don't mean to ask the same question twice, but there are some areas I consider so important that greater understanding may be obtained
by possible restatement in other words. I thank you very much for your patience. Yesterday, you also mentioned that when there was no harvest at the end of the last 25,000 year period, there were harvestable entities who shall choose the manner of their entrance into the fourth density. Can you tell me what you mean by how they will choose the manner of their entrance in the fourth density? So, yahan pe, chalo aap jawab bhi pad do. These shepherds, or as some have called them, the elder race, shall choose the time space of their leaving. They are unlikely to leave until their other selves are harvestable also. Dekha kitna acha bola usne. To sawal yahan pe Don ne pehle usse kiya. Don ne kaha ki dekho yaar dost, raha ho sakta hai ki kehte hain hum ek hi sawal na baar baar aapse pooch rahe hain. क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हमें इसकी बड़ी से बड़ी समझदारी या जानकारी चाहिए ताकि हम इसको समझ सकें और अच्छे से. कह रहे कि पर कोई बात नहीं, हम आपके इस जो पेशेंस यानी आपका जो ये शांति से जो आपने हमारी बात सुनी, हम इसके लिए आपको धन्यवाद, आपके सब्र का धन्यवाद करते हैं. हम कहते हैं कि अब हम एक सवाल करते हैं कि आपने कल कहा था कि इस पिछले 25,000 साल में कहते कि कोई हार्वेस्ट नहीं हुई, मतलब कटाई हुई नहीं किसी की. कह रहे लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिनकी कटाई हो सकती थी, पर उन्होंने खुद चूज किया, जानबूझ के उन्होंने खुद डिसाइड किया कि हाँ भाई मुझे अभी अपनी कटाई नहीं करनी है, अभी मतलब कटाई नहीं करवानी और चौथी डेंसिटी में जाना भी नहीं है अभी. कहते हैं तो आप हमें बता सकते हो कि वो किस तरीके से इसको चूज करते हैं, मतलब कि वो जब सामने फोर्थ डेंसिटी मान लो किसी के खड़ी हो कि भाई आ जा, इतना बढ़िया वर्ल्ड में निकलने का मौका मिल रहा है, कह रहे फिर भी वो यहाँ रुक गए, तो उन्होंने ये चूज किया कैसे, आप हमें बता सकते हो ये ऐसे ऐसे कैसे किया उन्होंने. खड़े तो हैं उसके दरवाजे पे लेकिन वहां पे मना कर दिया कि नहीं नहीं अभी नहीं आ रहे हम बाद में आएंगे ताकि हम दूसरों की मदद कर सके. तो अब राव उसको जवाब देता है, कह रहा है ये जो चरवाहे हैं, भेड़ मतलब शेफर्ड बोल रहा है, कह रहा है ये जो चरवाहे हैं ना तुम इन्हें एल्डर रेस बोलते हो. कह रहे कि बूढ़ी मतलब बड़े बड़े लोग तुम इनको ऐसे बोलते हो, जो पहले के लोग थे ना उनकी बात कर रहा है. कहते हैं वो अपने हिसाब से, बेशक वो मर चुके हों, कोई बात नहीं है, इसी एम्प्टी स्पेस के अंदर, इसी खाली स्पेस के अंदर है वो अभी भी. कह रहे कि वो चूज कर सकते हैं कि जब उनका मन हो वो तब निकल सकते हैं यहाँ से, उनकी इच्छा है. कह रहे लेकिन हम आपको ये भी बता दें, उन्होंने चूज ही ये कर लिया है कि हम तब तक नहीं निकलेंगे यहाँ से जब तक हम दूसरों को मदद करके उनकी ग्रेड ना बनवा दें कि ये भी हमारे साथ चलेंगे अब हार्वेस्ट होके फूड डेंसिटी पॉजिटिव की तरफ. कह रहे इसलिए वो रुक गए यहाँ पे. कह रहे उनके लिए उनके अपने लोगों की तरफ का जो प्यार था ना, उस झुकाव की वजह से वो लोग रुक गए इसी खाली स्पेस के अंदर तुम्हारे. कह रहे वो नहीं गए, उन्होंने खुद ही डिसाइड कर लिया कि हम नहीं जा रहे अभी, इतनी कम हार्वेस्ट हुई है, अभी रुकेंगे, देखते हैं एंड तक क्या होता है, तब तक हम कोशिश करते रहेंगे. वो थॉट फॉर्म्स में कोशिश कर रहे होते हैं लोगों की सोच में. व्हाट डू यू मीन बाय देयर अदर सेल्व्स बीइंग हार्वेस्टेबल? The other selves with whom these beings are concerned are those which did not attain harvest during the second major cycle. हाँ, तो यहाँ पे डॉन कहता है कि आपका कहने का मतलब क्या है कि अपने दूसरे लोगों के लिए हार्वेस्टेबल नहीं है, मतलब कटाई के लिए तैयार नहीं है, इसका मतलब क्या है? तो रा कहता है कि ये जो दूसरे जिनकी तुम बात कर रहे हो ना, ये इन्हीं लोगों की, तुम्हारे ही लोगों की बात हो रही है यहाँ पे, कि अभी वो तैयार नहीं है वहां पे जाने के लिए. तो कह रहे वो रुक गए कि अब ये सेकेंड मेजर साइकिल जब खत्म होगी, मतलब जो अब जो साइकिल खत्म होने वाली है, कह रहे जब ये साइकिल खत्म होगी ना तो ये तब तक का वेट करेंगे कि कोई बात नहीं अभी औरों को आने दो, सारे एक साथ ही निकलेंगे, हम रुक रहे हैं इनके लिए. कह रहे तो दूसरों की मदद के लिए रुक गए वो यहाँ पे. कितना बड़ा दिल होगा इनका, कितना सब्र होगा इतने. Could you tell me just a small amount of the history of what you call the elder race? The question is unclear. Please restate. I ask this question because I've heard about the elder race before a book, Road in the Sky, by George Hunt Williamson. And I was wondering if this elder race was the same that he talked about. Pehle aap ye baat kare. Haan, to isse pehle Don ne ek sawal kiya tha. ये आप हमें बता सकते हो ये जो बड़ी वाली रेस, मतलब ये जो बड़ी वाले जो हमारे लोग थे, ये जो प्रजाति थी, ये कौन है, क्या है ये? तो रा कहता है कि भाई मेरे को तुम्हारा सवाल समझ नहीं आया है, तुम क्योंकि रा तो अपने एंड से सब कुछ ही देख पा रहा है, भाई वो इसी स्पेस में डॉन को दिख नहीं रहे हैं. तो डॉन ने कहा ये हैं कौन, हमें बताओगे?
इनका इतिहास कहते हैं मुझे तो हाँ ये है क्या, इनका इतिहास क्या है? तो रा कहता है कि भाई तेरा तो हमें सवाल ही समझ नहीं आया है, कह रहा है कि दोबारा बोलेगा। तो डॉन उससे फिर सवाल करता है, डॉन कहता है कि ये जो एल्डर रेस जिसकी आप बात कर रहे हो ना, ये बड़े पहले की जो प्रजाति थी बड़ी वाली, कह रहा है इसके बारे में हमने जॉर्ज हंट विलियमसन करके एक बंदा है उसने किताब लिखी थी रोड इन द स्काई, बाय द वे अगर किसी को टाइम मिले ना किताब जरूर पढ़ना, बहुत अच्छी किताब है, हमने तो पढ़ी भी है, एक नंबर किताब है, मजा आ जाएगा पढ़ के आपको, लेकिन पहले इसको खत्म कर लो, यही अपने आप में रोड इन द स्काई है। तो वो कह रहा है कि एक किताब थी रोड इन द स्काई जॉर्ज हंट विलियमसन की, कह रहा है कि उसके अंदर उसने बताया था ये एल्डर रेस बड़ी वाली जो रेस है उसके बारे में, मतलब प्रजाति के बारे में, कह रहा है कि क्या ये वही है जो जॉर्ज हंट विलियमसन ने अपनी किताब के अंदर लिखा था। अब रा उसे जवाब देगा। The question now resolves itself, for we have spoken previously of the manner of decision making which caused these entities to remain here upon the closing of the second major cycle of your current master cycle. There are some distortions in the descriptions of the one known as Michael. However, these distortions have primarily to do with the fact that these entities are not a social memory complex, but rather a group of mind-body-spirit complexes dedicated to service. These entities work together, but are not completely unified. Thus, they do not completely see each other's thoughts, feelings, and motives. However, their desire to serve is the fourth dimensional type of desire, thus melding them into what you may call a brotherhood. हाँ, तो इसका जवाब वो देता है कि जब वो पूछा उसने कि भाई जॉर्ज हंट विलियमसन की किताब में एल्डर रेस बोला गया है इनको, तो ये कौन है इसके बारे में जरा बताओगे, क्या ये वही है? तो राव से जवाब देता है, देखो भाई ये तो तूने जवाब खुद ही दे दिया, वो कह रहा था क्वेश्चन नाउ रिजॉल्व इटसेल्फ, कह रहा है ये जवाब तो भाई तुमने खुद ही दे दिया, कह रहा हमने तुम्हें पहले भी बताया था कि जब इन्होंने डिसीजन लिया था ना, इन्होंने डिसीजन ये लिया था कि नहीं हम तो रुकेंगे अभी सेकंड मास्टर साइकिल के लिए, कोई बात नहीं होने तो जो हो रहा है, कह रहे हम रुकेंगे, हम अब निकलेंगे तो यहाँ से सबको जितने हो सकता है मैक्सिमम उनको लेके ही निकलेंगे यहाँ से अगली डेंसिटी, कह रहा इनमें से एक है जिसका नाम तुम माइकल बोलते हो, मैम यहाँ आर्कएंजल माइकल की बात कर रहे हैं ये, समझ गए, हाँ तो कह रहे इनमें से एक माइकल है, कह रहा कि ये जो है ना ये इस वजह से है कि जो माइकल है और इनका जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप है, ये सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये सबकी सोच एक ही हो या ये टेलीपैथिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, कह रहे ऐसे नहीं है ये, कह रहे लेकिन इनकी जो इच्छा दूसरों की मदद करने की है ना, कह रहे उसकी वजह से ये ग्रुप बना के बैठे हुए हैं सारे, ये एक दूसरे के थॉट्स फीलिंग्स और मोटिव्स यानी दूसरों की सोच, उनके इमोशंस यानी उनकी फीलिंग्स और उनके कर्म जो उनका मोटिव है उसकी उतनी जानकारी नहीं है इनको अभी भी, कह रहे लेकिन ये फिर भी इनकी जो सोच है ना वो है वही दूसरों की मदद करने वाली, दूसरों की सेवा करने वाली, फोर्थ डायमेंशनल यानी फोर्थ डेंसिटी के जैसी उनकी सोच है, कह रहे इसीलिए ये दूसरों को ना जितने भी होते हैं कह रहे उनको अपने भाई बहन मान के रुक गए कि नहीं अब हम जाएंगे ही नहीं जब तक ये हमारे भाई बहन भी हमारे साथ नहीं जाएंगे, इसलिए रुक गए ये, कह रहे और ये गायब है भी तुम्हारे स्पेस में, एक्चुअली में ये आर्कएंजल माइकल की बात कर रही है। Why do you call them the elder race? We call them thusly to acquaint you, the questioner, with their identity as is understood by your mind complex distortion. तो यहाँ पे डॉन सवाल करता है कि इनको ये बड़ी मतलब एल्डर यानी बूढ़ों वाली, कह रहे इनको बूढ़ों वाली प्रजाति क्यों बोला जाता है? तो रा कहता है कि हाँ हमें तुम्हारा सवाल समझ में आ रहा है कि तुम्हें उनकी शायद आइडेंटिटी समझ नहीं आ रही है, कह रहे वो इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहा है कि देखो यार तो वो तुमसे पहले थे इसलिए हम उनको बूढ़ी रेस बोलते हैं, अदरवाइज वो बूढ़ी नहीं है, वो तो जवान रेस है, तुमसे भी ज्यादा जवान है वो। Are there any wanderers with these elder race or not? These are planetary entities harvested. Wanderers only in the sense that they chose in fourth density love to immediately reincarnate in third density rather than proceeding towards fourth density. This causes them to be wanderers of a type, wanderers who have never left the earth plane because of their free will rather than because of their vibrational level.
यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो बूढ़ी प्रजाति जिसकी आप बात कर रहे हो, क्या ये भी वॉन्डरर्स ही हैं कि अपनी इच्छा से यहाँ पर पैदा हो गए? तो वो कह रहे हैं कि नहीं, वो कह रहे हैं कि देखो ये जो है ना, ये तुम्हारी ही धरती के लोग हैं, तुम्हारी धरती पे ही पैदा हुए थे। कह रहे कि मरे, कह रहे मरने के बाद इनको जाना तो था फोर्थ डेंसिटी में, पर ये रुक गए, इन्होंने खुद ही रोक लिया अपने आप को। कह रहे कि हम जा ही नहीं रहे। कह रहे इनका वाइब्रेशन लेवल तो था वही वाला। कह रहे ये रुक गए, रुकने के बाद इन्होंने यहाँ दोबारा जन्म लेना शुरू कर दिया। तुम्हारे बीच में ही है ये, अरे तुम्हें पता नहीं चलेगा लेकिन तुम्हारे बीच में ही है ये। कह रहा है कि इनको जाना था फोर्थ डेंसिटी में लेकिन रुक गए। कह रहे तो एक तरीके से तुम इन्हें वॉन्डर मान सकते हो, पर ये हायर डेंसिटी से यहाँ नहीं आए हैं। कह रहे तुम्हारे यहीं पे ही थे, अपनी आजादी की जो वो होती है ना, अपनी आजादी, कह रहे उसका कुर्बानी इस्तेमाल करते हुए इन्होंने डिसाइड कर लिया कि नहीं अभी नहीं जाएंगे, अभी हम दोबारा अर्थ पे आएंगे, दोबारा पैदा होंगे। अब हम यहाँ पे हम नहीं जा रहे फोर्थ डेंसिटी में, अभी अब हम जाएंगे तो दो चार को साथ में लेके ही जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। ये रुक गए जानबूझ के, दोबारा यहीं पैदा हो गए। हाँ अच्छा, मुझे किसी ने कहा था कि मैं पिछले जन्म में माइकल था, मतलब उसने कुछ हिप्नोथेरेपी वगैरह पता नहीं क्या किया, तो एक बंदी ने उसको बोला था कि तुम पिछले जन्म में आर्कएंजल माइकल थे, पता नहीं अभी। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है मैम। लेकिन आर्कएंजल माइकल एक नहीं है, ये इनका पूरा बहुत झुंड है, है पूरा मालूम है मुझे। बहुत हाँ सारे हैं। एक तो मेरे साथ ही है, माय गार्डियन एंजल इज आर्कएंजल माइकल, वन ऑफ देम। ओके, well, in yesterday's material, you stated, we offer the law of one, the solving of paradoxes. You also mentioned earlier that the first paradox or the first distortion I meant was the distortion of free will. Could you tell me if there's a sequence? Is there a first, second, third, fourth distortion of the law of one? पहले ये बता दो। हाँ ये सवाल इसने पूछा है, बहुत अच्छा सवाल है। ओ नहीं नहीं मैम, ये माइकल वो उसकी बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, ये जॉर्ज हंट विलियमसन की ही बात कर रहा है। इसका नाम है माइकल डी ओब्रिनोविक। हाँ हाँ जॉर्ज हंट विलियमसन की बात कर रहा है यहाँ पे। ये जो जॉर्ज हंट विलियमसन है ना, उसने ही दोबारा पैदा हो गया यहाँ पे ये काम शुरू किया है। और अच्छा हो सकता है आर्कएंजल माइकल की भी बात कर रहा हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों की बात कर रहा हो ये मतलब आपको नहीं पता, मैम। यहाँ पर यू आर नीचे नॉट आके उसने श्योर। सिक्स, ना ना मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे नीचे सिक्स्थ पॉइंटर में उसने कहा है माइकल डी ओब्रेनोविक आल्सो नोन एज जॉर्ज हंट विलियमसन चलो ठीक है, आगे हो इसलिए। जाएगा क्लियर, पता चल जाएगा, कोई तो नहीं। यहाँ नाउ पे सवाल है। क्वेश्चन, हाँ तो सवाल यहाँ पे डॉन करता है कि आपने कल के मटेरियल में ये कहा था कि हम लॉ ऑफ वन देने के लिए आए हैं, जिसका काम है विरोधाभास को खत्म करना। ठीक है, ये विरोधाभास को खत्म कर देती है। कह रहे कि और आपने ये भी कहा था, इसका पहले सबसे पहला विरोधाभास मतलब क्रिएटर की लाइट से जो चीज निकली, वो सबसे पहली चीज थी आजादी, मतलब कुछ भी करने की आजादी। कह रहे कि आप हमें इसका कोई तरीका बता सकते, कोई सीक्वेंस है क्या इसकी, कि मतलब जैसे पहले पहले कौन सा डिस्टॉर्शन, भाई पहले कौन सा विरोधाभास था, फिर दूसरा कौन सा विरोधाभास था, फिर तीसरा कौन सा था, चौथा कौन सा था, क्या आप हमें बता सकते हो ये? तो राम उसे आगे जवाब देगा। only up to a very short point. After this point, the manyness of distortions are equal one to the other, one to another. The first distortion, free will, finds focus. This is the second distortion known to you as logos, the creative principle or love. This intelligent energy thus creates a distortion known as light. From these three distortions come many, many hierarchies of distortions, each having its own paradoxes to be synthesized, no one being more important than another. हाँ तो यहाँ पे वो कहता है, यहाँ पे देखो ये बहुत छोटी सी चीज़ है जो वैसे तुमने पूछी है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि जितने भी ये विरोधाभास है ना, या कह लो ये जो बटाव है, कह रहे हैं सारे इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, मतलब तो दोनों तो सारे बराबर हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक बड़ा है दूसरा छोटा है, ऐसा कुछ नहीं है। कह देखो सबसे पहली चीज़ थी आज़ादी, कुछ भी करने की आज़ादी। कह रहे जब वो आज़ादी थी ना, तो उसने अपना फोकस बनाना शुरू किया, मतलब अब जब आप मेडिटेशन में बैठे हो तो आप कुछ भी करने की आज़ादी होती है आपको, तो आपने वो सोच के अंदर ना अपना फोकस बनाना शुरू किया। कह रहे जब वो फोकस बनाना शुरू किया ना क्रिएटर ने, तब वहां पे क्रिएशन शुरू हो गई, क्रिएटिव प्रिंसिपल जिसको आप बोलते हो प्यार, क्योंकि वो जुड़ाव है, मतलब चीजें बाहर से अंदर की तरफ जुड़नी शुरू होती हैं।
तभी वो पैटर्न बनना शुरू होता है। अगर आप दिमाग में भी मेडिटेशन करोगे तो लाइट अंदर कोलैप्स करना शुरू करती है, तब जाके कोई एक इमेज बननी शुरू होती है। कहते हैं ये जो इंटेलिजेंट एनर्जी है ना, ये क्रिएटर की, कह रहे तब जाके वो लाइट में बनना बनती है। पहले बाहर से वो पहले आज़ादी का इस्तेमाल करती है, आज़ादी का इस्तेमाल करती है तो फिर आपस में क्रिएटिव अपने दिमाग के अंदर ही क्रिएशन बननी शुरू होती है, जिसे आप लोगोस, क्रिएटिव प्रिंसिपल या प्यार कह लो, जो मतलब लोगोस मतलब फोकस, या ये कह लो कि क्रिएटिव प्रिंसिपल मतलब दिमाग के अंदर ही कुछ बनाना शुरू कर देना, कह रहे या कह लो इसे प्यार, क्योंकि वो प्यार की वजह से, वो जुड़ाव की वजह से अंदर कोलैप्स करना शुरू करती है। वो कह रहे कि इसी को तुम रोशनी कहते हो, जब वो जुड़ के एक जगह इकट्ठी होती है। कह रहा है इन तीनों में से और बहुत अलग अलग तरीके का बटाव होना शुरू होता है, अलग अलग डायरेक्शंस में निकलनी शुरू होती है। कह रहा है कि जब वो अलग अलग डायरेक्शंस में शुरू होती है ना, तब जाके क्रिएशन शुरू हो जाती है। जैसे उसने बताया था ना स्पायरल है, अब स्पायरल के बीच में से लाइट निकल रही है तो स्पायरल की वजह से बट के इधर उधर भी हो जाएगी, वो अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाएगी वो। तो कह रहा है कि इसी से ही वो सारी क्रिएशन स्टार्ट होती है, और ये मान के चल लेना इनमें से कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है, ये सारी बराबर ही है एक दूसरे के साथ, इनमें से कोई भी चीज अलग नहीं है, सब बराबर है ये। You also said that you offered the law of one, which is the balancing of love, light, light, love. Is there any difference between love, light, light, love? This will be the final question. Okay, okay. आप पढ़ो। चलिए। अच्छा। आप तो यहाँ पे डॉन एक सवाल करता है कि आपने कहा कि जो लॉ ऑफ वन है, मतलब ये जो एक का ज्ञान है, ये इसलिए होता है कि ये संतुलन बना सके प्यार और रोशनी का, रोशनी और प्यार का। क्या आप हमें बता सकते हो कि इन दोनों चीजों में क्या कोई फर्क है, मतलब प्यार और रोशनी, रोशनी और प्यार, इन दोनों में क्या फर्क है? तो वो कहता है कि सेम डिफरेंस बिटवीन लव लाइट एंड लाइट लव एज देयर इज बिटवीन टीच लर्निंग एंड लर्न टीचिंग। Love light is the enabler, the power, the energy giver. Light love is the manifestation which occurs when light has been impressed with love. हाँ, देखा कितना प्यारा जवाब दिया उसने। सिर तो वो यहाँ पे ये पड़ा। ना ना, अभी देखो, अभी समझ में आ जाएगा। इसमें कह रहा है, देखो भाई, ये आज का आखिरी सवाल है। तो वो कहता है कि देखो, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम, उसने सवाल किया कि भाई ये प्यार और रोशनी, और रोशनी और प्यार, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो वो कह रहे हैं, देख दोस्त, ये दोनों चीजें बिल्कुल वैसी हैं जैसे टीच लर्निंग और लर्न टीचिंग है, यानी सिखाओगे तो सीखोगे भी। कह रहे सीखोगे तभी सिखा सकते हो। कह रहे जो लव लाइट जब हम बोलते हैं ना, प्यार रोशनी, इसका मतलब है एनेबलर, यानी स्टार्टर, स्टार्ट करने वाला। क्रिएटर की पावर इसी के अंदर है, और यही है जिसको हम एनर्जी बोलते हैं। कह रहे लाइट लव जब हम बोलते हैं, कह रहे उस एनर्जी के ऊपर, जब लाइट लव बोल रहा है, वो कह रहे जैसे ही वो लाइट पड़ती है ना, तब जाके चीजें दिखनी शुरू होती हैं। इसको बोलते हैं लाइट, अपने प्यार के ऊपर लाइट मारना, और जैसी वो लाइट मार रही अपने प्यार के ऊपर, कह रहे चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं, मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती हैं सब। कह रहे ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसी चलती हैं, एक दूसरे से सीखना, एक दूसरे को सिखाना, ऐसी चलता रहता है इन दोनों के बीच में। अभी भी मैम इसने और आगे सवाल, हाँ हाँ पूछती हूँ, लेकिन मुझे पहले समझाओ कि ये लाइट लव, लव लाइट मुझे नहीं समझ में आया। देखो मैम, बताते हैं, मैं बताता हूँ, एग्जांपल, एग्जांपल के साथ थोड़ा समझा, एग्जांपल देके बताता हूँ, एग्जांपल देके बताते हैं आपको अच्छा लगेगा, एग्जांपल या नहीं वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें समझ में आ गया था। अब देखो, ऐसे मान के चलते हैं, इंसान के लेवल पे नहीं लेते, पहले हम इसे लेते हैं अपने सोलर सिस्टम के लेवल पे, ठीक है। आप ये मान लो कि ये जितने भी चीजें बनी है ना, जैसे हमारा ऑर्बिट है वो हमें दिखता नहीं है, ठीक है, प्लैनेट हमें दिखते हैं, बीच में दिखता है हमें सन, ठीक है। क्रिएटर ने क्या किया, पहले उसका ब्लूप्रिंट बना दिया इसी हवा के अंदर, अपने प्यार से पार्टिकल जो थे वो सारे एक जगह पे इकट्ठे कर दिए, अभी वो दिख नहीं रहे, इकट्ठे हो गए बस एक जगह पे। उसने फोकस लगाया, फोकस लगा के सारे पार्टिकल, अब आप उन्हें न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, एटम, फैटम, दुनिया बन रही, जितनी आप चीजें सोच सकते हो ना, सारी सोच लो, वो सारे उस एनर्जी की इकट्ठा एक जगह पे होने शुरू हुए, क्योंकि उनके अंदर भी वो एनर्जी बैंड ही है बस, ठीक है। उनको इकट्ठा करके एक जगह पे लगा दिया उसने, ठीक है। अब उसने ये सोचा कि यार बना तो दिया मैंने प्यार से, ये मेरे को तो दिख रहा है। ये बिल्कुल ऐसा है कि अंधेरे में आपने कोई चीज बना दी
लेकिन आपको दिख नहीं रही, आपने दीवार पे बना तो दिया है लेकिन आपने लाइट ऑफ कर रखी है, कह रहा है। उसके बाद जैसे ही उसने बीच में सन को डाला, अपने सन ने जो रेज मारनी शुरू की, कह रहे जैसे उसने रेज मारी ना, वो दिखना शुरू हो गया एकदम से। यही वो बताना चाह रहा है कि पहले ब्लू प्रिंट बना दिया और उसके बाद जैसी उस पर रोशनी मारी, वो दिखना शुरू हो गया होलोग्राम। इसी तरीके से जैसे आप अपनी दीवार पे बनाते हो और अचानक से लाइट ऑन करोगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि क्या बना है। अंधेरे में आपको नहीं पता चलेगा कि आपने क्या बना। यार पहले अंधेरे में उसने सारे पार्टिकल एक जगह पे इकट्ठे कर लिए, उनको रूप दे दिया, फिर उसके बीच में सडनली अपना सन मारा, ये ले मेरा सन, ये ले मेरी लाइट। और जैसे उसने अपनी लाइट मारी अपने प्यार की, अब प्यार ने बनाया, फिर उसके ऊपर अपनी लाइट मारी, जैसी लाइट पड़ी वो दिखना शुरू। म्यूट अनम्यूट क्यों करते हो आप लोग अपना माइक? ओके, मुझे लव लाइट और लाइट लव इसमें फर्क अभी भी नहीं पता चला। मतलब कोई आपने सन का एग्जांपल दिया, ठीक है, कोई नॉर्मल सा रोजमर्रा का एग्जांपल थोड़ा दे दो। रोजमर्रा का एग्जांपल इंसानों का एग्जांपल दे दो। हाँ, इंसानों का देते हैं। लाइट लव क्या है? ऐसे 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 समझना, एक हस्बैंड वाइफ के बीच का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है जी। ओके, अब हस्बैंड वाइफ है, उन दोनों के बीच में रिलेशन है, ठीक है। अब वो प्यार भरा है या कैसा है उसके अंदर हम नहीं घुसेंगे, लेकिन उन दोनों ने एक चीज क्रिएट की, एक बच्चा, ठीक है। वो बच्चा जब तक माँ के पेट में रहेगा ना, आपको दिखेगा नहीं, दिखता तो नहीं है ना, वो अंधेरे में ही है ना, वहाँ अपनी माँ के पेट में है ना। जैसे ही वो इस दुनिया में आता है ना, तो आपको दिखना शुरू होता है, क्योंकि उसके ऊपर वो लाइट पड़ती है, थिएटर की लाइट। अंधेरे में तो आपको भी रख दिया जाए, उस बच्चे को भी रख दिया जाए, तो आप भी नहीं दिखोगे, वो आप वाइब्रेटिंग पार्टिकल, लेकिन आप दिखोगे नहीं। जब आपके ऊपर लाइट पड़ती है ना, तभी आप दिखना शुरू करते हो। तो कहने का मतलब ये है, वो कह रहा है लव लाइट इज द एनेबलर, द पावर, द एनर्जी गिवर। वो कह रहा है कि ये जो लव है ना, इससे जो चीजें बनती हैं, कह रहे वो पावर, वो स्टार्टर होती है, और वो ही होती है एनर्जी गिवर, मतलब उसी के अंदर ही होती है सारी एनर्जी। कह रहे जब तक उसके ऊपर आप लाइट नहीं मारोगे अपने प्यार की, और वो दिखाएगी नहीं आपको, तभी दिखनी शुरू होगी जब उसके ऊपर लाइट पड़ेगी। बिना लाइट के आपको कुछ नहीं दिख सकता अंधेरे में। अच्छा, ओके, वीरल, यू हैड अ क्वेश्चन? यस, ये जो ये आपने अभी बताया लव लाइट लाइट वाला, तो उसे क्या इस तरह से हम कंसिडर कर रहे हैं कि लाइट ऑफ जो हमको बताना चाह रहे हैं, मतलब वो हमारे इंडिविजुअल मीन्स विजडम की बात कर रहे हैं, ज्ञान की, वो लाइट की बात हो रही है? मैम ये ज्ञान, ज्ञान से तो उसने बना दिया, लव से, लव है उसका ज्ञान, मेन चीज जो लव, ज्ञान से तो उसने बना दिया। सारे पार्टिकल जितने एनर्जी बैंड से एक जगह पे इकट्ठे होने शुरू हुए, अभी ऐसे मान के चलना, अभी दिख नहीं रहे आपको, वो क्रिएटर कह रहा है कि यार मैंने बना तो दिया है, ये तो केवल मुझे ही दिख रहा है मेरे दिमाग के अंदर, है ना, मेरी क्रिएशन में और भी जो लोग हैं इनको कैसे दिखेगा। तब जाके उसने वो सन की लाइट मारी, और जैसे ही वो लाइट मारी तो दिखना शुरू हो गया। इसलिए आप नोटिस करोगे हर जगह पे आप, हाँ, जो आप फील कर रहे हो, जो आप फील कर रहे हो। तो फॉर ऑल इंडिविजुअल्स इट इज इम्पोर्टेंट कि जो हम फील कर रहे हैं, जैसे हम, इसलिए आप बोल रहे हैं ना कि थॉट प्रोसेस जो हम फील कर रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो विजडम के लेवल पर होगी तो लव लाइट जनरेट होगा, क्रिएट होगा। फिर और जब पर उसका इम्प्लीमेंट करोगे तो वो लाइट लव हो जाएगा। वो कैसे, फिर से सर आप बताएंगे? आपने ज्ञान ले लिया, ठीक है, आपको विजडम आ गई क्रिएटर की, कि हाँ भाई क्रिएटर ने ऐसे किया, ऐसे किया, ये किया, ये उसके लॉज है, ये इस तरीके से काम करते हैं, ये उसके बनाए हुए तरीके हैं, ऐसे इस्तेमाल करते हैं। अब जब ये इन्फॉर्मेशन पूरी आपके अंदर चली जाएगी ना, और इस ज्ञान के अंदर को जब आपके अंदर सोख लेगा, आपका दिमाग सोख लेगा अच्छी तरीके से, आपके शरीर के अंदर चली जाएगी, आत्मा के अंदर चली जाएगी, तो आप जब उसे इम्प्लीमेंट करना शुरू करोगे ना, तब जाके आपको पता चलेगा वाह क्या प्यारी चीज बनाई है, जब मैं इसको खुद इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तब आ रहा है मुझे मजा, क्रिएटर उसी मजे को ले रहा होता है। ओके ओके, दैट मींस दैट विजडम वी आर अप्लाइंग देन एंड देन वी आर क्रिएटिंग। करेक्ट। ओके ओके, थैंक यू। ओके,
light love is a manifestation which occurs when light has been impressed with love. Is there anything that we can do to make the instrument more comfortable? अच्छा ये तो अभी वो हाँ यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अभी उसको instrument इसके अंदर मैम एक नेक्स्ट क्वेश्चन वो अगले में कहेगा कि उसकी कमर को हम घिस दें क्या ऐसे करके ठीक कर दें क्या उसको लेकिन यहाँ पर एक एक सवाल उसने जाते जाते और पूछ लिया था उससे क्वेश्चन नंबर 15.25 पढ़ना कोई पढ़ रही हूँ इज इट पॉसिबल फॉर यू टू टेल अस एनीथिंग अबाउट व्हाट सिंस वी आर वंडरर्स एनीथिंग अबाउट आवर प्रीवियस डेंसिटी व्हिच डेंसिटी वी केम फ्रॉम I scan each and find it acceptable to share this information. The wanderers and this working are of two densities. One, the density of 5, that is of light. One, the density of love light or unity. To express the identity of which came from which density, we observe to be an infringement upon the free will of each. Therefore, we state simply the two densities, both of which are harmoniously oriented towards working together. हाँ तो ये आखिरी सवाल डॉन जाते जाते भी उसका मन नहीं मानता है तो वो पूछ ही लेता है कह रहा है कि आपने बताया कि हम वॉन्डरर हैं ठीक है हम यहाँ एक मिशन के लिए आए हुए हैं कह रहे तो आप हमें ये बता सकते हो हम इससे पहले कौन सी डेंसिटी में थे मतलब पहली में थे दूसरी में थे इससे पहले तीसरी में भी थे चौथी में थे पांचवी में थे छठी में थे किस में थे हम तो डॉन वो राव ने जवाब देता है कि देखो भाई हमने तुम लोगों को पूरा का पूरा स्कैन कर लिया अच्छे से कह रहे और हम ये एक्सेप्ट भी करते हैं कि हाँ इन्फॉर्मेशन हम तुमसे शेयर कर सकते हैं कहते देखो इस काम को जो तुम कर रहे हो ना यहाँ पे इस वक्त ये इन्फॉर्मेशन हमसे लेके और किताब लिख रहे हो ताकि तुम दूसरों को दे सको और ये सारी चीजें कर रहे हो कह रहे कि ये जो तुम काम कर रहे हो ना ये इसलिए है कि तुम लोग अलग अलग डेंसिटी से हो कह रहे तुम में से एक है फिफ्थ डेंसिटी यानी लाइट यानी विजडम इसको ज्ञान है लॉ ऑफ वन का प्यार का ज्ञान हो गया पहुंचने के बाद लाइट वाली डेंसिटी फिफ्थ डेंसिटी में कह रहे तुम में से एक है जो कि लव लाइट वाली से है लव लाइट यानी यूनिटी लव और लाइट जहां मिल जाते हैं ना वहां यूनिटी बन जाती है वो कह रहा है एक है और मैम ये जाके होती है एट्थ ऑक्टेव में सेवंथ या एट्थ ऑक्टेव में जाके होती है जहां मुझे जहां तक हमारा अंदाज है सेवंथ में या एट्थ में हो जाती है शायद तो कह रहा है एक उस डेंसिटी से उठ के आया है कह रहा है लेकिन अगर तुम हमें ये पूछो ना कि कौन तुम में से किस डेंसिटी से आया है कह रहा वो नहीं बता सकते हम तुमको वो हम तुम्हें इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि तुम्हारी आजादी का उल्लंघन हो जाएगा तुम आपस में लड़ने लग जाओगे देख मैं तो आठवीं डेंसिटी से आया हूँ वो कहेगा नहीं मैं तो पांचवीं डेंसिटी से आया हूँ नहीं नहीं मैं पांच से नहीं मैं आठ से आया हूँ तू आया होगा उससे कह रहे इसकी वजह से तुम्हारे बीच में विरोधाभास हो जाएगा कह रहे इसलिए वो इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे हम तुमको कह रहे बस ये बता दिया कि तुम में से एक वहां से आया एक वहां से आया इस तरीके से बता रहे हो कह रहे इसीलिए तुम लोग हो तो अलग अलग डेंसिटी के कह रहे इसलिए ही तुम्हारे बीच में इतना प्यार है और आपस में एक दूसरे के साथ मिलके प्यार से तुम ये काम कर रहे हो ठीक है तो और उसके बाद वो कह देता है आड़ने मतलब बाय बाय रिकॉर्डिंग बंद कर